Well, good afternoon to all of you. तो सभी क्लासेस आपके अच्छे से चालू हो गए, सेट हो गए हो पुणे में? मतलब मैंने कहा सेट हो गए हो, मतलब सेट हो गए हो क्या? हाँ, ओके. तो कोई पसंद वसंद आई है? मेस मेस. हाँ, यहाँ नहीं तो खाना पीना अच्छा चालू है? अच्छा, चलिए स्टार्ट करते हैं. तो पार्टी मतलब अभी तो स्टार्ट ही हुआ है. अभी पार्टी यानी अभी स्टार्ट की पार्टी अलग, एंड की पार्टी अलग. ऐसा करो मुझे ले जाओ घर पे. चलिए तो स्टार्ट करें. आर यू रेडी? जोर से बोलो. हाँ तो स्टार्ट करते हैं. चलिए सबसे पहले तो मैं ये जो सेशंस आपके लोगा, ये सेशंस में जीएसटी का बेसिक इंट्रोडक्शन होगा जो पहला मॉड्यूल होगा. ठीक है, हम फर्स्ट मॉड्यूल कंप्लीट करेंगे. ये फर्स्ट मॉड्यूल में मैं आपको एक बात बता दूं कि रियल सेंस में हम जीएसटी स्टार्ट ही नहीं करने वाले हैं. ये फर्स्ट मॉड्यूल जो बैकग्राउंड है ये आपको ये समझाता है कि जीएसटी क्यों आया और किस स्ट्रक्चर में आया. लॉ जो हम स्टार्ट करेंगे, एक्ट जो हम स्टार्ट करेंगे, ये सेकंड मॉड्यूल में स्टार्ट करेंगे. और अभी ये इनिशियल जो सेशंस हमारे रहेंगे, ये सेशन में हम हमारा बेटा ध्यान दे इधर, ओके, ये हम हमारा फर्स्ट मॉड्यूल स्टार्ट करेंगे जिसमें ये कंप्लीट भी करेंगे. इसमें मैं आपको पूरा बेसिक स्ट्रक्चर बताऊंगा, पूरा बेसिक इंट्रोडक्शन है अबाउट जीएसटी. कि बहुत सी बार आप इनवॉइस में देखते हो सीजीएसटी, एसजीएसटी या आईजीएसटी, थोड़ा बहुत आपको जानकारी भी होगी, लेकिन इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे. 2017 के पहले ऐसा क्या था कि जीएसटी लाने की ज़रूरत पड़ी और 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लाया गया. भाई मोदी जी ने ऐसा क्या किया और क्या उनका विजन था जीएसटी के पीछे? और जीएसटी लॉ जो है नो डाउट बहुत अच्छा लॉ है, बहुत अच्छा डिज़ाइन भी किया हुआ है. और अच्छा तो इसलिए है क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ. ठीक है, तो यहाँ जहाँ तक देखा जाए तो यहाँ ज़रूरत क्या पड़ी जीएसटी लॉ लाने की? पहले सेल्स टैक्स था, एक्साइज था, वैट था, सर्विस टैक्स था. बेटा बातचीत नहीं, बातचीत नहीं, लंबी सांस लो एक, टेक अ डीप ब्रीथ, छोड़ो छोड़ो छोड़ो. हाँ यस. तो कभी कभी हालत ना आरटीओ जैसी हो जाती है. किसी बे लड़के को आरटीओ पकड़ता है तो चालान बता, पीयूसी बता, लाइसेंस बता. और किसी लड़की को जब आरटीओ पकड़ता है तो बस वो हंस देती है, जा जा, जा। तो यार तो कभी कभी मेरी हालत ऐसी हो जाती है, कोई लेट आता है तो लेट टर्न टू अवर डिस्कशन, साइलेंट प्लीज. तो बेटा पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि अगले जो ये मॉड्यूल के सेशंस रहेंगे हमारे, ठीक है, ये किसी ने मिस मत करना, क्योंकि अगर ये नहीं समझा तो आगे का आपको एक वर्ड भी समझ में आने वाला नहीं. ठीक है, ये पूरा बेसिक है, इसके ऊपर ही पूरा जीएसटी लॉ डिज़ाइन किया गया है. तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन आपको समझना बहुत ज़रूरी है. ठीक है, चलिए स्टार्ट करने के पहले मैं थोड़ा आपको मार्क्स का वेटेज कैसा है टैक्सेशन सब्जेक्ट में ये आपको बता दूं. जैसे सीए इंटर लेवल पे दो ग्रुप होते हैं बेटा, ये आपको पता है? थैंक यू. ओके, सीए इंटर लेवल पे दो ग्रुप होते हैं, ग्रुप वन और ग्रुप टू. अच्छा मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, कितने स्टूडेंट हैं जिन्होंने डिसाइड किया है कि दोनों ग्रुप देना है?
अरे वाह, अच्छा, कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने डिटर्मिनेशन रखा है कि दोनों ही ग्रुप देना है? चलिए सर, दोनों में डिफरेंस क्या है? बेटा डिसाइड तो हम बहुत कुछ कर लेते हैं, पर जिंदगी में जिसको चाहते वो थोड़ी मिलता है। तो ऐसे केस में डिटर्मिनेशन होना जरूरी है। तू है तो पूरी कायनात है, और तू नहीं तो कुछ नहीं, कुछ नहीं। ओके सर, तो अब ऐसे केस में तो ग्रुप वन में अगर हम देखें तो चलो आप बता दिए, आप बता दो ग्रुप वन में कितने सब्जेक्ट्स हैं? सब्जेक्ट्स चार हैं, पर वैसे तो पांच है, पर टैक्सेशन एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, और उसमें जो जीएसटी है वो बहुत ब्यूटीफुल है। क्यों क्यों क्यों? तो ऐसे केस में साइलेंट प्लीज। तो ग्रुप वन में हमारा जो सब्जेक्ट होगा वो होगा टैक्सेशन, वो होगा टैक्सेशन। और टैक्सेशन में दो पार्ट किए हैं, एक है बेटा इनकम टैक्स, जिसे हम डायरेक्ट टैक्स भी कहते हैं, ये पता है आपको? इनकम टैक्स जिसे हम क्या कहते हैं? डायरेक्ट टैक्स। और दूसरा होता है इनडायरेक्ट। ओके, तो इसमें ऐसा ही होगा बेटा, विजय सर सब चीजें डायरेक्ट बोलेंगे, मैं इनडायरेक्ट बोलूंगा। ठीक है, तो बस यही बस मेन डिफरेंस है। तो डायरेक्ट टैक्स अगर हम देखें तो वेटेज ऑफ मार्क्स, ओके वेटेज ऑफ मार्क्स बताइए कितना दिया है डायरेक्ट टैक्स को? विजय सर ने आपको बताया होगा मार्क्स का वेटेज आपको जो दिया गया है, यहाँ 60 मार्क्स दिए गए हैं डायरेक्ट टैक्स के लिए और 40 मार्क्स दिए हैं इनडायरेक्ट टैक्स के लिए। मैं ज़्यादा स्ट्रेच नहीं करूँगा क्योंकि इतना बेसिक इंट्रोडक्शन विजय सर ने आपका लिया ही होगा। ठीक है, तो अब जहाँ तक है 60 मार्क्स और 40 मार्क्स, जिसमें आपको 30% MCQ पे पूछा जाएगा, ठीक है, और 70% जो है वो सब्जेक्टिव प्रैक्टिकल क्वेश्चंस सब मिक्स पूछे जाएंगे। तो अगर हम बात इनडायरेक्ट टैक्स की करें बेटा, तो इनडायरेक्ट टैक्स में आपको 12 मार्क्स के MCQ आएंगे, ओके, और बचे हुए कितने? 28 मार्क्स, 28 मार्क्स के सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे। ओके, 28 मार्क्स के अदर क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। ठीक है, अब बेटा मैं आपको एक बात कह दूं, इस बार जैसे टैक्सेशन सब्जेक्ट में आप किसी भी सीनियर को पूछ सकते हो जिन्होंने वी स्मार्ट में टैक्सेशन का क्लास लगाया था, टैक्सेशन में अच्छा स्कोर बहुत से स्टूडेंट का हो पाया है। रीज़न है कि इनकम टैक्स तो आप पढ़ ही रहे हो, GST भी बहुत सी बार आपको वो 60 जाने में सपोर्ट कर देता है, और नो डाउट आप अगर यहाँ क्लास लगा रहे हो और पढ़ रहे हो तो मैं आपको एश्योरेंस देता हूँ, अगर मैंने जो दिया हुआ डेली का होमवर्क आप डेली ही करते हो तो मैं एश्योरेंस देता हूँ कि आउट ऑफ 40 आप मिनिमम 30 या 35 तक जा सकते हो, 30 के नीचे सोचो ही मत। तो इमेजिन करो कि आपका IDT में 35 मिल गया और DT में विजय सर तो अच्छा पढ़ा ही रहे, तो 50 50 प्लस 35 85, जहाँ तक देखा जाए तो 85 मार्क्स बेटा आपका ऐसे मिल गए। पर हाँ, टैक्सेशन एक आप स्कोरिंग सब्जेक्ट ले सकते हो जिसमें हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे DT और IDT। और वी स्मार्ट की ये खास बात है कि दोनों सब्जेक्ट्स के लिए फैकल्टी अलग अलग है और दोनों एक्सपर्ट से ज़्यादा स्मार्ट है। ओके, तो जहाँ तक देखा जाए तो आपको बेस्ट टीचिंग मिलेगी, दोनों फैकल्टीज अपना एक्सपीरियंस आपको शेयर करेगी। जैसे मैं आपको ये बता दूँ, 2005 में मैं CA बना और CA बनते बनते ही मैंने पढ़ाना, मतलब मेरा अटेम भी था और मैंने पढ़ाना चालू कर दिया था, हॉस्टल में पढ़ाता था, यहीं नारायणपेट में हॉस्टल में रहता था। तो हॉस्टल में जब पढ़ाता था तो टेरेस पे ऐसे 20-25 स्टूडेंट, फाइनल लेवल के स्टूडेंट ऐसे बैठ जाते थे और मैं उनको चार्ट्स पढ़ाता था बहुत सी बार कि पूरा सब्जेक्ट्स पूरे टॉपिक्स चार्ट में कैसे अरेंज करने चाहिए।
ये बिग चार्ट सिस्टम पहली बार 2005 में जब मैंने क्लास लेना चालू किया तो मैंने इंट्रोड्यूस किया, ओके, कि हर टॉपिक्स कैसे कनेक्ट किए जाए। तो यहाँ मैं आपको ये बता दूँ कि मेरे तीनों सब्जेक्ट लॉ, डीटी और आईडीटी जो लॉ से रिलेटेड है मेरे बहुत अच्छे थे। मुझे तीनों सब्जेक्ट्स में आईडीटी में 81 मार्क्स आए, डीटी में 78 आए और लॉ में 75 सीए फाइनल पे आए। बाकी जहाँ तक देखा जाए अकाउंट कॉस्टिंग मत पूछना। तो जहाँ पर मैंने स्टार्ट किया आईडीटी से पढ़ाना स्टार्ट किया, हाँ एक उसमें ऐसा था कि मैंने आईडीटी भी इसलिए लिया था, ऑप्शन तो डीटी भी पढ़ाना था पर ऑप्शन लॉ भी पढ़ाना था, लेकिन मैंने आईडीटी इसलिए लिया क्योंकि मुझे फ्यूचर में बहुत अच्छी फैकल्टीज़ मिलने वाली थी और वो है विजय सर और दर्शन सर, नो डाउट आज मेरे से भी अच्छा पढ़ाते हैं और बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो जहाँ तक देखा जाए 2005 में मैंने क्लासेस चालू किए और तब से अभी तक आपको मैं ऑनेस्टली कहूँ तो लगभग 15 साल होते आ रहे हैं मैंने दूसरा कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ा। मेरा प्रैक्टिस, मेरा टीचिंग, मेरा कंसल्टेंसी पूरा एक ही सब्जेक्ट में है और वह है इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो बेटा जितना भी मेरे पास नॉलेज है, ठीक है जीएसटी को 2 साल ही हुए हैं पर मैं कहूँ क्या जीएसटी नथिंग बट ओल्ड एक्साइज वैट सर्विस टैक्स सबको कंसोलिडेट करके एक लॉ बनाया जो जीएसटी, न्यू बॉटल ओल्ड वाइन, समझ में आया? जहाँ तक देखा जाए है तो वो जीएसटी। तो जितना भी मेरा एक्सपीरियंस है, मैं WIRC के कमेटी में भी था, इनडायरेक्ट टैक्स कमेटी में भी था, मैं यहाँ के जीएसटी ऑडिट एक्साइज डिपार्टमेंट के पैनल में भी था, तो बहुत सी अभी प्रैक्टिकल केसेस मैं आपके साथ शेयर करूँगा। मैं ये जानता हूँ कि आप इंटर लेवल पे हो और इंटर लेवल पे अभी बिजनेस से इतने ज़्यादा कनेक्ट नहीं हो, ओके, लेकिन आई विल ट्राई माई बेस्ट। जितना इनकम टैक्स आपको इजीली समझ में आता है उतना जीएसटी हो सकता है, मैं ये नहीं कहूँगा कि, पर हो सकता है थोड़ा बहुत डिफिकल्ट जाए, बट मैं हूँ ना, ओके। तो यहाँ पे आप बिल्कुल टेंशन मत लेना, मैं बहुत इजी करवा के दूंगा। ये थोड़ा बिजनेस से कनेक्टेड लॉ है लेकिन डेफिनेटली आपको बहुत इजी जाएगा, ठीक है, आपको मज़ा भी आएगा और स्पेशली उन स्टूडेंट्स को बहुत मज़ा आएगा जिनके यहाँ बिजनेस है, ओके। उनके मम्मी पापा पूछेंगे कि अरे वो जीएसटी का ये प्रॉब्लम आया है तो आप बताओगे, तो पापा पूछेंगे किसने पढ़ाया। तो जहाँ तक देखा जाए तो अब ऐसे केस हम देखेंगे, बहुत सी प्रोविजंस पढ़ेंगे, ओके, पर इमीडिएटली एडवाइस मत देना, ओके, हमारा आपको सिलेबस होने के बाद, ओके, आप घर पे एडवाइस देना तो आपको डेफिनेटली हेल्प होगा। और जिनके यहाँ बिजनेस नहीं है तो बिल्कुल टेंशन मत लेना, क्यों मैं हूँ ना। तो यहाँ पे आपको भी इजी करवा के दूंगा, मैं आपको यहाँ लाइव बताऊंगा कि जीएसटी पोर्टल कैसे होता है, कैसे फॉर्म सबमिट्स होते हैं, कैसे रिटर्न्स फाइल होते हैं, ठीक है, बहुत डेप्थ में है पर जितना इंटर लेवल से रिलेवेंट है हम वो जरूर देखेंगे, कॉमन पोर्टल ऑनलाइन पोर्टल यहाँ देखेंगे। चलिए तो वापस हमारे डिस्कशन पे आते हैं। यहाँ पे 12 मार्क्स जो है MCQ और 28 मार्क्स जो है अदर्स। MCQ बहुत टेक्निकल होते हैं इसलिए मैं आपको, अब आपके क्लासेस चालू हो गए 15-20 दिन तो होते आ गए हैं क्लासेस शुरू होने में भी, पर मैं आपको इतना कहूँगा कि अब एक काम करो, जो वी स्मार्ट क्लास टेस्ट आपके ले रहा है लाइव क्लासेस में वो जरूर दो बेटा, क्योंकि उस पर हम अच्छा खासा अमाउंट स्पेंड कर रहे हैं। आज तुम्हारे जो पेपर है वो CA से चेक करवा रहे हैं और आज कोई भी CA को पेपर चेक करवाने का एक पेपर की कॉस्ट लगभग 100 से 150 के बीच में लग जाती है, अदर मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर रहती है। मैं आपके लिए ये कह रहा हूँ बेटा, इस बार पहली बार वी स्मार्ट ने ये डिसीजन लिया और अकॉर्डिंगली पूरा टाइम शेड्यूल चेंज हुआ प्रेस्टीज का, और वो शेड्यूल था कि कोई भी हालत में 4:15 तक क्लासेस ख़त्म होनी चाहिए। आप अपने सीनियर को पूछ सकते हो, पहले क्लासेस 7 तक चलती थी लेकिन हमने जो है इस बार डिसीजन लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए 4 या 4:15 तक क्लासेस सभी ख़त्म हो जानी चाहिए, क्योंकि आपको सेल्फ स्टडी के लिए टाइम मिलना चाहिए। तो अगर ये डिसीजन लिया गया है तो आप ज़रूर सेल्फ स्टडी करो, ओके। मैं आपको एक बात कहता हूँ, जो भी स्टूडेंट यहाँ दोनों ग्रुप का डिसाइड कर रहा है, होते पॉसिबल है, बहुत इजीली पॉसिबल है, पर ये इजीली तभी पॉसिबल है जब आप डेली बेसिस पे जितना होता है उतना पढ़ सकते हो, पढ़ पा रहे उतना ही कंप्लीट करो, लर्न भी नहीं करना है, होमवर्क जो दिया है और जो पढ़ाया गया वो रीड करके जाना है, लर्न नहीं करना है। एक बहुत बेसिक साइकोलॉजी है कि लर्न बोला कि हमारे माइंड पे प्रेशर आता है और प्रेशर आया कि हम इग्नोर करते हैं, इसलिए मैं आपको ये भी कहूंगा कि लर्न भी नहीं करना है, सिर्फ उतना रीड करके आ जाना है,
जितना क्लास में हुआ, दैट्स इनफ। और टारगेट रखना है कि भाई 4:30 बजे क्लास खत्म हुआ, 5 बजे तक घर पे गए, या फिर यहीं क्लासरूम में ओपन करके दे रहा हूँ आपको, यहीं बैठो 6:30-7 बजे तक, यहाँ खत्म कर दो पूरा होमवर्क, पूरा एक बार रीडिंग, और फिर घर पे जाके मस्ती करो, जो करना है करो। 7:30-7 बजे तक यहाँ बैठे, बात खत्म, पूरा कंप्लीट करके गए। ये डिटर्मिनेशन रखो तो आपका दोनों ग्रुप करना बहुत ईजी हो जाएगा, और पहले अटेम्प्ट में पास होना भी बहुत ईजी होगा, ठीक है। फिर इतना मस्ती करना 7:30 बजे के बाद, जो करना है करना, यहाँ बैठ के 7:30 बजे तक खत्म, फिर घर पे टेंशन नहीं, क्लियर। तो आ जाते हैं हमारे डिस्कशन पे वापस से। तो बेटा इनडायरेक्ट टैक्सेस में यहाँ अगर हम देखें तो 40 मार्क्स का वेटेज दिया है, पर इनडायरेक्ट टैक्सेस में आपका मेन कंसर्न क्या आता है, चलो मैं बता देता हूँ। एक होता है सर मटेरियल कैसे मिलेगा, क्या मिलेगा, क्या आप हमें बताओगे आपके क्लासेस का? ओके, जरूर मटेरियल के बारे में हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। देखो बेटा मटेरियल में मैं हमारा क्लास नोट्स और ICAI का मटेरियल, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स मुझे ये क्वेश्चन पूछते हैं कि सर जो इंस्टीट्यूट का मटेरियल आया है घर पे, हमने पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए उसको, या फिर वो ऊपर रख दे या बेच के उसका जो भी रद्दी का पैसा आएगा, एक आधी पार्टी शार्टी हो जाए, नहीं सुनिए। तो यहाँ सुनिएगा बेटा, मैं पहले बता दूँ आपको, मटेरियल में सबसे पहले आपको जो है मॉड्यूल्स, हम पहले मॉड्यूल्स की बात करेंगे, ठीक है। मेरा जो मॉड्यूल है इसमें आपको 3 मॉड्यूल्स मिलेंगे, ये 1 बेसिक इंट्रोडक्शन होगा, 2 और 3, मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है मॉड्यूल को। वैसे बेटा ये मॉड्यूल अगर देखा जाए तो इतने में ही ख़त्म हो जाना चाहिए तीनों भी, पर इसके 3 पार्ट्स क्यों किए, रीज़न बताता हूँ। मॉड्यूल में अगर आप देखोगे तो मैंने पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन, कलर नोट्स वगैरह, इसका बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया है। अगर आप देखोगे तो पिक्चर्स, कलर प्रेजेंटेशंस, बहुत सी जगह मैंने यूज़ किया गया, उसमें स्पेस ज़्यादा गई है, इसलिए इतना बड़ा मॉड्यूल इतना बड़ा है 40 मार्क के लिए, बिल्कुल ऐसा टेंशन मत ले लेना, पैनिक मत हो जाना। इवन ये जो है बेटा स्टूडेंट नोट्स भी मैंने दिए, पर VSmart की ये USP है। सबसे पहले 2014 में इतने पिक्चर्स के साथ, चार्ट्स के साथ, इवन मुझे एक्सरसाइज पढ़ाना होता था तो हम फैक्ट्री निकालते थे, फैक्ट्री में पूरा डिज़ाइन करते थे। आप मेरा पुराना एक्सरसाइज का नोट्स कभी मिल जाए आपको कोई ऑनलाइन तो देख लेना, हर चीज़ में, इवन प्रोडक्शन भी ये लेता था, जो ये पूरा ग्राफिक्स कहीं से कॉपीड नहीं है, इसका हर स्ट्रक्चर मेरी टीम ने बनाया है, और 4 लोग मेरे ग्राफिक्स टीम में हैं जो इसके ऊपर वर्क कर रहे हैं, नॉट कॉपीड फ्रॉम एनीवेयर। तो बेटा ये पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन में पहली बार 2014 में CA कोर्स में पुणे से ये बुक कलर्ड में मैंने लॉन्च किया था, और अभी तो ये USP बन गया है, पर ये VSmart ने स्टार्ट किया था, और VSmart के आज सभी फैकल्टी ये कोशिश कर रही है कि बेस्ट क्वालिटी नोट्स में भी दी जाए, मटेरियल में भी दी जाए, और ऑब्वियसली टीचिंग में तो है ही, और आपको ये कोशिश किया जा रहा है। तो बेटा यहाँ पे आपको 3 मॉड्यूल दिए जाएंगे, मॉड्यूल 1, M1, M2 एंड M3। M1 बेसिक इंट्रोडक्शन का होगा, जिसमें से 40 मार्क्स में से 5 मार्क का क्वेश्चन आता ही आता है, जो हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन वाला है। ये मॉड्यूल जितने भी पेजेस होगा बेटा, ये जस्ट 15 मिनट में रिवाइज हो जाता है कंप्लीट होने के बाद, जस्ट 15 मिनट्स में पूरा आराम से रिवाइज हो जाता है, 5 मार्क्स का वेटेज है। बाकी मॉड्यूल 2 और मॉड्यूल 3 के बारे में हम बाद में देखेंगे, मैं आपको बताऊंगा। प्लस ये मॉड्यूल्स तो दिए गए हैं, अब बेटा ये मॉड्यूल्स पे बहुत सी जगह स्पेस भी दी है आपको, सॉल्व करने के लिए, क्वेश्चंस रखने लिखने के लिए, समरी पॉइंट्स लिखने के लिए, स्टूडेंट नोट्स भी दिए, यानी कभी कभी हम पढ़ लेते हैं, पढ़ने के बाद वो बेयर टेक्स्ट को, लॉ के लीगल लैंग्वेज को हमने सिंपल वर्ड्स में कैसे लिखना चाहिए, जिसके लिए स्टूडेंट नोट्स भी दी गई है, वहाँ हम सिंपल वर्ड्स में उसको लिखेंगे, ये बात तो ही बेटा। दूसरी बात मैं आपको बता देता हूँ, एक सवाल जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स का आता है, और वो क्या कि सर आपने तो दे दिए मटेरियल तो दे दिया, इसमें क्वेश्चन आंसर कैसे रहेगा? मैं क्वेश्चन आंसर आपको साथ में पढ़ाते पढ़ाते ही मॉड्यूल में कवर किए, जो मैं यहाँ कवर करूँगा। इवन आपको केस स्टडीज भी मैं तुम्हारे नोटबुक में लिखवा के दूंगा, और वो केस स्टडी लगभग हमारी टोटल मॉड्यूल के क्वेश्चंस और केस स्टडी हमारे 150 क्वेश्चंस हो जाते हैं जो पढ़ाते पढ़ाते,
इन एडिशन टू दैट मैं आपको एक क्वेश्चनेयर प्रोवाइड करता हूँ, ये होता है स्कैनर, जीएसटी क्वेश्चनेयर, ये आपके सेल्फ प्रैक्टिस के होता है जिसमें 300 क्वेश्चंस और है, ओके, और ये 300 हर लाइन पे जो मैंने पढ़ाया उसके ऊपर क्वेश्चन बनाए गए हैं। बहुत से स्टूडेंट फर्स्ट रीडिंग में वो मटेरियल पढ़ते हैं, सेकेंड रीडिंग में यही पढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर, उसको टच भी नहीं करते। हर थ्योरेटिकल क्वेश्चन, एमसीक्यू क्वेश्चन, प्रैक्टिकल क्वेश्चन सभी इसमें कवर किया गया है, सभी सभी, यानी आप किसी भी सीनियर का फीडबैक ले लो, ये पढ़ लो, हो गया, इससे ज्यादा और भी कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर बेटा नेक्स्ट यहां पे तो सेकंड आपको मिलेगा क्वेश्चनेयर, और वो क्वेश्चनेयर का आपको क्वेश्चन बैंक जिसे हम कहते हैं, लगभग 300 से 350 क्वेश्चंस उसमें कवर किए गए हैं फॉर 40 मार्क्स फॉर एडिशनल प्रैक्टिस। ओके, जिसको भी एडिशनल प्रैक्टिस करना है तो उसका एक मॉड्यूल मिलेगा आपको, और तीसरा होगा चार्ट्स, चार्ट्स फॉर बेटर रिटेंशन एंड क्विक रिविजन। चार्ट्स क्या होता है थोड़ा मैं आपको ये बता दूँ, ये आज का हमारा लेक्चर थोड़ा इंट्रोडक्शन पार्ट पे ही है। ओके, जैसे चार्ट्स, ये बिग चार्ट का ऑब्जेक्ट क्या होता है, शायद इसका इंपॉर्टेंस जैसे जैसे मैं पढ़ाऊंगा वैसे वैसे आपको समझेगा, ये होते हैं बिग चार्ट्स। ओके, ये चार्ट्स जो है इसमें एक साथ 6 चैप्टर्स कवर्ड है, और वो 6 चैप्टर्स कैसे कनेक्ट हुए हैं एक एक वर्ड से, वो उसको डिजाइन करके दिया गया है। तो ये 6 चैप्टर्स, आपने ये चार्ट अगर रिवाइज कर लिया तो आपके 6 चैप्टर्स खत्म, समझ में आया, 6 चैप्टर्स खत्म। ये क्विक रिवीजन के लिए चार्ट्स, इसको हम वॉल चार्ट कहते हैं। ओके, पर ये चार्ट्स जो है मैं आपसे ड्रॉ करवाऊंगा, यानी जैसे ही हमारा जीएसटी रेगुलर चालू हो जाएगा मैं आपसे ओके ड्रॉ करवाऊंगा। नाउ आप पहले ड्रॉ करोगे, फिर क्लास के एंड में चार्ट्स मिलेंगे, पर मैं डेली बेसिस पे आपने ड्रॉ कैसे किए हैं चार्ट्स, आपको ड्राइंग शीट परचेस करनी पड़ेगी और वो ड्राइंग शीट पे आपको चार्ट्स बनाने पड़ेंगे। ये मैं डेली बेसिस पे हर स्टूडेंट का देखूंगा, ठीक है, पर यहाँ ये थोड़ा बाद में, ओके, जीएसटी के 8-9 लेक्चर हो जाने के बाद हम चार्ट स्टार्ट करेंगे। प्लीज 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 प्लीज, ओके, नाउ बेटा बेटा आज का फर्स्ट डे, लगने देना आज का फर्स्ट डे थोड़ा, ठीक है, डोंट टॉक इन बिटवीन, ठीक है। क्या नाम है बेटा आपका? हाँ, यस यस वाइट, हाँ नाम है संस्कार, ओके चलिए तो यहाँ पे, हाँ, तो ऐसे केस में एक आपको एक दो चार्ट्स मिलेंगे, इतना मटेरियल आपको मिलेगा। फिर सर आपने इतना अगर मटेरियल दे दिया उसके बाद ICAI का मटेरियल पढ़े क्या, दम है तो पढ़ लो इतना पढ़ने के बाद दम क्या रहेगा, इतना इतना अगर आप, मैं आपको क्वेश्चंस दे रहा हूँ, क्वेश्चन यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। हेलो, तो मैं आपको क्वेश्चन है वगैरह दे रहा हूं, तो इसका ICAI का मटेरियल कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। पर मैं आपको थोड़ा कंपैरिजन में यह बता दूं कि ओके, ICAI के जो मैंने मटेरियल बनाया है वो ICAI के मटेरियल के बेस पे ही बनाया है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमारे बुक में छूटा है, एवरीथिंग इज कवर्ड। ओके, वो तो कवर्ड ही है, प्लस इन एडिशन टू दैट हमारे पास बहुत कुछ है, और इतना मटेरियल इनफ है फॉर 40 मार्क्स। दूसरी एक बात बता दूं, जीएसटी क्यों ना 40 मार्क्स के लिए ही होगा, लेकिन ऑफिस में आज अगर आपको एक्सपीरियंस चाहिए तो वो सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस किसका चाहिए, जीएसटी। आप जब आर्टिकलशिप में जाओगे, ओके, ऑब्वियसली आप फर्स्ट अटेम्प्ट में दोनों ग्रुप क्लियर हो जाओगे, और जो एक देना चाहता है वो एक ग्रुप क्लियर हो जाएगा। मेरी बेस्ट विशेस आपके साथ है और आप हो गए ही। तो अब ऐसे केस में जब जैसे आर्टिकलशिप पीरियड में जाओगे तो आपको सबसे ज्यादा पूछा जाएगा जीएसटी के बारे में, और आप यू आंसर दोगे जीएसटी की, ये ऐसा सप्लाई ऐसा वैसा, वो बॉस पूछेगा क्लास किसके पास लगाई तो ओके, डोंट वरी फॉर दैट, आपको जीएसटी बहुत अच्छे से, मैंने मेरा नाम थोड़ी लिया, जस्ट
तो यहाँ पे तो जीएसटी डेफिनेटली आपका बहुत अच्छे से हो जाएगा बेटा, इसलिए आईसीएआई का कोई भी मटेरियल पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारा स्ट्रक्चर ही इसके बेस पे है। तो मटेरियल अबाउट जीएसटी को बाजू में रख दो, और मैं तो कहता हूँ जो भी क्लासेस आपने वी स्मार्ट में लगाए, नो डाउट आप जब यहाँ आते हो कहाँ प्रेस्टीज पॉइंट पे, पहले दिन तो ऐसा ही होता है कि किधर जा रहा हूँ, ओके कुछ समझ में ही नहीं आता है। अभी तुम्हारे कहीं तो भी कुछ लर्न हुआ होगा कि इधर से जाओ इधर, पर नहीं, आपका एक फाउंडेशन बनता है यहाँ आने के बाद। फिर आप सब एक आते हो, एकत्व हो, मतलब एक आते हो सब एक साथ दोस्त सब एक हो जाते हो, ठीक है। फिर सब एक होने के बाद आपको जैसे जैसे पढ़ने होते आपका एक्सपर्ट नॉलेज बढ़ने लगता है, और आखिरी में स्मार्ट बन के जाते हो। हाँ जहाँ तक देखा जाए, ओके तो मैं जैसे एक प्रोसेस बता रहा हूँ आपको कि क्या प्रोसेस होती है। चलिए अब आते सर अमेंडमेंट्स के बारे में, प्लीज 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 अब थोड़ा इधर ध्यान दीजिएगा। अमेंडमेंट्स के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो सर अमेंडमेंट्स जीएसटी की कैसे कवर होगी? और बेटा अभी तो सबसे ज्यादा अमेंडमेंट्स अगर किसी लॉ में है तो वो है जीएसटी, क्योंकि जब तक हम अमेंडमेंट समझते हैं तब तक वो बदल जाता है, यानी अमेंडमेंट ही अमेंड हो जाती है, ठीक है। तो अगर सबसे ज्यादा अभी चेंजेस है तो वो कौन सा है इसमें बेटा? जीएसटी। तो सर हमारे एग्जाम में, अगर हमारी आने वाली नवंबर एग्जाम है, तो इसमें आप सभी अमेंडमेंट्स कवर करोगे, ऑब्वियसली सभी अमेंडमेंट्स करते। पर थोड़ी जानकारी आपको दे दूं, अमेंडमेंट्स की कट ऑफ डेट हमारे इंस्टीट्यूट ने जो रखी है वो रखी है 6 months बिफोर। तो आपकी कट ऑफ डेट जो रखी है वो 30th April, ठीक है। तो 30th April आपकी कट ऑफ डेट है, और ये 30th April तक की सभी अमेंडमेंट्स हमारी कवर हो जाएगी। हमारा बैच कंटिन्यूएशन में रहेगा, तो हमारी नोट्स में तो मैं कवर कर ही लूँगा जैसे ही स्टार्ट होगा। और ठीक है, हमारा बैच चालू होने वाला है, हमारे सेशन चालू होने वाला है अराउंड 12-13 April से, और चलेंगे 12-13 मई तक, ठीक है। अप्रोक्सीमेट 2-3 दिन कम ज़्यादा, पर तब तक ख़त्म हो जाएगा, ठीक है जीएसटी। तो एक इसमें मैं आपको कह दूं कि भाई 30 अप्रैल तक के अमेंडमेंट्स, तो हमारा बैच चालू ही रहेगा, मैं मोस्ट ऑफ द अमेंडमेंट्स तो कवर कर ही लूँगा, प्लस कुछ एक्स्ट्रा हुई तो वो मैं एडिशनल शीट दे के कवर कर लूँगा, तो डोंट वरी फॉर दैट, ओके। इसलिए मैं मॉड्यूल एक साथ तीनों नहीं देता हूँ, मैं पहले आपको सेकेंड दूंगा और फिर 30 अप्रैल हो जाने के बाद थर्ड मॉड्यूल, तो वो आपका कवर हो जाएगा। तो आपकी कट ऑफ डेट होती है 30th April, जिसमें सभी अमेंडमेंट्स आपकी कवर हो जाती है, ठीक है। तो ये बेटा अमेंडमेंट्स 30th April तक, इसके बाद का जो भी अमेंडमेंट्स होगा 30th April के बाद का, इवन तो आपकी एग्जाम नवंबर में है, कब है भाई आपकी एग्जाम? नवंबर में, पर इसके बाद की कोई भी अमेंडमेंट्स आपको अप्लीकेबल नहीं होंगे। इसलिए 30 अप्रैल के बाद की, अगर क्योंकि कैसा है जीएसटी जब पढ़ोगे तो थोड़ा आप में इंथो भी रहेगा और मज़ा भी आएगा, तो आप फिर न्यूज़ पढ़ना चालू कर दोगे, ओके आर्टिकल्स पढ़ना चालू कर दोगे। तो मैं आपको एक बात कह दूं कि 30 अप्रैल के बाद की जो भी चेंजेस है, ओके वो चेंजेस आपको अप्लीकेबल नहीं हो। फॉर नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू इट्स ओके, आपको पढ़ना है इट्स ओके, पर वो आपको अप्लीकेबल नहीं होंगे। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे ये हमारी बात हुई, हमारी कट ऑफ डेट है 30 अप्रैल तक की, सभी अमेंडमेंट्स हम कवर कर लेंगे। ये था अबाउट बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ ओके कि भाई आपको मटेरियल कैसे मिलेगा, आपकी सभी अमेंडमेंट्स कैसे कवर की जाएगी। इज इट क्लियर? चलिए अब स्टार्ट करें मॉड्यूल हमारा, आर यू रेडी? चलिए वेल ये मॉड्यूल में हम मोस्टली
ये मॉड्यूल में हम मोस्टली इनडायरेक्ट टैक्सेस पे बात करेंगे और कॉन्स्टिट्यूशनल लेवी ऑफ जीएसटी, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। बेटा कैसे, अभी खाना खाया हुआ है, हल्की हल्की नींद भी आएगी, खाना खाया है और कि ठंडी ठंडी हवा चालू है, मधुर आवाज़ है, ठीक है, और हल्की हल्की नींद भी आएगी। देखो बेटा, जिसको नींद आ रही है उसको 50 रुपये का फाइन, और उसके बाजू में जो दो लोग बैठे हैं 100 रुपीज़ का फाइन दोनों को। क्यों बोलो, पूछो पूछो क्यों? क्योंकि उनकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इसको नींद ना। तो बेटा पनिशमेंट उनके आजू बाजू वालों को ज़्यादा रहेगी, हाँ या ना? अब देखो जिसको नींद आ रही होगी, हाँ हाँ हाँ, तो यहाँ चलिए स्टार्ट करें। तो बेसिक इंट्रोडक्शन, ये तेरा नाम क्या बेटा? गौतम। एक जोक याद आया, डोंट माइंड। हाँ यहाँ गौतम ये स्टेयर केस में खड़ा था और लड़कियों को घूर रहा था, सीटियाँ बजा रहा था। तो जब, अरे सुन सुन, तो यहाँ पे लड़कियों को घूर रहा है, सीटियाँ बजा रहा है, तो हर लड़की जब वहाँ से पास होती है तो कैसा जानवर है, तो गौतम को किसी ने जानवर बोला, उसको खुशी होती थी, यस यस मैं जानवर। और उसके दोनों फ्रेंड उसके आजू बाजू खड़े थे, दूसरी लड़की की वही उसका तरीका, ओके वो लड़की की कैसा जानवर है, इसको और खुशी थी, और बोलो ना जानवर हूँ। तो उसके आजू बाजू जो दोनों फ्रेंड्स थे, ये क्या नाटक है यार, ये कोई भी इसको जानवर बोल रहा है तो भी यहाँ ये खुश हो रहा है। तो दोनों फ्रेंड्स ने पूछा कि भाई क्यों, तू इतना खुश क्यों हो रहा है? तो गौतम कहता है कि यार जानवर का मतलब तू मेरी जान, मैं तेरा भर। तो यहाँ तेरी नींद उड़ गई। टर्न टू अवर डिस्कशन। तो बेसिक कंसेप्ट ऑफ, लंबी सांस लो, छोड़ो। तो बेसिक कंसेप्ट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कॉन्स्टिट्यूशनल लेवी ऑफ जीएसटी, इसमें हम इनडायरेक्ट टैक्सेस के बारे में सब कुछ पढ़ेंगे और जीएसटी कैसे डेवलप हुआ उसके बारे में भी अच्छा खासा डिस्कशन किया जाएगा, ठीक है? थोड़ा अगर हम नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं, तो पहला कंसेप्ट है व्हाट इज टैक्स। आहा, आपका डीटी का कुछ लेक्चर्स हो गया है, बेसिक इंट्रोडक्शन भी हो गया है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, पढ़ के मत बताना, व्हाट इज टैक्स? आई नीड इंटरेक्टिव सेशन, एनी वॉलंटियर? या ना ये मेरे को नहीं चाहिए, ओके वॉलंटियर बोला तो सामने आने का, हाँ बिल्कुल मैं हेल्प करता हूँ, हेल्प करता हूँ, एनी वॉलंटियर? है कौन है सर? टैक्स इज मैंडेटरी पेमेंट दैट इज टू बी मेड टू द गवर्नमेंट। हाँ टैक्स मैंडेटरी पेमेंट है, यस, that required to be paid to the government. Why we are paying to the government? Sir, because government has to carry out the public expenditures or it has to carry out the working. So it needs some money. To meet their expenditure. Okay. So, ho gaya. What do you mean by tax? Okay, taliya mat baja beta. Galat time pe jo taliya bajate na, log galat samajhte. To, yeah, jahan tak dekha jaye. तो एक और कोई कोई शेयर करना चाहता है, व्हाट डू मीन बाय टैक्स? हाँ हाँ, और कोई शेयर करना चाहता है, व्हाट डू मीन बाय टैक्स? रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट, ठीक है, चलिए यही बात सही है। टैक्स एक हफ्ता है, टैक्स एक हफ्ता है, पर लीगल हफ्ता है। उसने कहा मैंडेटरी, फोर्सफुली है, अगर आप नहीं भी देना चाहो तो भी देना तो पड़ेगा, और वो लीगल है। ओके, जहां तक देखा जाए, सिंपल वर्ड में मैं आपको कहूँ तो द टैक्स वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम टैक्सो। चलो फालतू बातें बाद में करेंगे, ठीक है, ये फालतू रीड नहीं करने का, ये टैक्सो नहीं है, पूछेंगे भी नहीं, पर हाँ
किसी पे इम्प्रेशन अगर ये करने का है, पता है टैक्स कहाँ से आया? ये टैक्सो वर्ड से आया, तो वो भी कहता अच्छा टैक्सो, तो ये सब इम्प्रेशन मारने की बात है, एग्जाम के हिसाब से मैं बता दूंगा क्या पढ़ना है, ठीक है। तो ठीक है, आप इट इज मैंडेटरी फाइनेंशियल बर्डन इम्पोज ऑन इंडिविजुअल और लीगल एंटिटी, इट इज नथिंग बट द मनी दैट पीपल हैव टू पे टू द गवर्नमेंट विच इज यूज फॉर प्रोवाइडिंग क्या पब्लिक सर्विस, फिर वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, एजुकेशन हो, हेल्थ हो, मिलिट्री हो या डिफेंस हो, इन ये सभी खर्चा करने के लिए गवर्नमेंट को पैसा चाहिए। आपको ये सवाल नहीं पूछा जाएगा, बट आपके नॉलेज के लिए दिमाग में रहने दो, ठीक है। ये सीपीटी लेवल के या फाउंडेशन लेवल के क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय टैक्स, ठीक है, तो ये वहाँ तक रहने दो। हाँ, अब मैं मेन पार्ट पे होगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। मैं चाहता हूँ, आई विल हेल्प यू, मैं कुछ वॉलंटियर चाहता हूँ। यस सर, डायरेक्ट टैक्स हम किसी दूसरे के ऊपर, जोर से बोलो, डायरेक्ट टैक्स अपन किसी दूसरे के ऊपर बर्डन ट्रांसफर कर सकते हैं, नहीं कर सकते, और इनडायरेक्ट टैक्स में बर्डन ट्रांसफर हो सकता है। डायरेक्ट टैक्स में हम किसी पे बर्डन नहीं ट्रांसफर कर सकते, हम खुद ही बेयर कर सकते, बेयर करते हैं, और इनडायरेक्ट टैक्स में हम बर्डन ट्रांसफर कर सकते हैं। थोड़ा टेक्निकल वर्ड में बोलूं, द डायरेक्ट टैक्स इज पेएबल बाय पर्सन कंसर्न, ठीक है, बट इनडायरेक्ट टैक्स इज पेएबल बाय वन पर्सन बट ट्रांसफरेबल टू अनादर पर्सन, ठीक है, ट्रांसफरेबल टू अनादर। कोई और डिफरेंस? हाँ, बहुत अच्छा डिफरेंस बोला, बहुत अच्छा डिफरेंस बोला। क्या? डायरेक्ट टैक्स सीबीडीटी गवर्न करता है, तो इनडायरेक्ट टैक्स, अच्छा हुआ यही बोला, नहीं तो बोलेगा डायरेक्ट टैक्स 60 मार्क्स का होता है, इनडायरेक्ट टैक्स 40 मार्क्स का होता है। तो और कोई डिफरेंस? अच्छा ठीक है, एनीथिंग मोर? हाँ, ये मुझे चाहिए डिफरेंस, थोड़ा मैं माइक में सुनना चाहूँगा, ये डिफरेंस क्या है? सर, डायरेक्ट टैक्स प्रोग्रेसिव बेसिस पे होता है और इनडायरेक्ट रिग्रेसिव बेसिस पे। अच्छा बेटा बताओ, प्रोग्रेसिव मतलब क्या? इनकम पे डायरेक्टली लगता है वो। वेरी गुड, वेरी गुड, गो अहेड, गो अहेड। इनकम, देखो मैं सवाल अगर आपको पूछ रहा हूँ तो बिल्कुल मैं समझना कि मैं डोमिनेट कर रहा हूँ, मैं कंसेप्ट को ड्रिल कर रहा हूँ, ठीक है। तो नाउ यहाँ पे गो अहेड, प्रोग्रेसिव का मतलब, सर जितना ज्यादा इनकम बढ़ते जाएगा वो उतना वो पैसा देते जाएगा, और रिग्रेसिव नेचर वो मतलब हर स्टेप पे लगेगा, वो मतलब कोई दूसरा पे करेगा। नहीं, पर तू तेरी ये फिर टर्मिनोलॉजी प्रोग्रेसिव के साथ मैच नहीं होती है, तेरा मीनिंग प्रोग्रेसिव वर्ड के साथ मैच नहीं होता है। यस यस, इसको दे। हाँ, इधर कोई? स्टेप वाइज टैक्स कम होता है। स्टेप वाइज टैक्स कम होता है, स्टेप वाइज टैक्स कम होता है। और कोई रिग्रेसिव का मतलब बताने के लिए? इधर एनी वॉलंटियर? बेटा मुझे इंटरेक्शन चाहिए, क्योंकि हाँ हाँ, गो अहेड, गो अहेड, गो अहेड, गो अहेड, गो अहेड, बताइए। थोड़ा मैं कुछ चीज़ें स्लो ले जाऊँगा, पर ये मैं इंटेंशनली लेके जा रहा हूँ, ठीक है। यस, गो अहेड। प्रोग्रेसिव मतलब जैसे जैसे पर्सन की इनकम बढ़ती है वैसे वैसे टैक्स बढ़ता है। हाँ, और रिग्रेसिव मतलब सबको लगता है, सेम नहीं, सबको लगता है। बहुत अच्छी बात कही तूने, मैं उसको इलैबोरेट करके देता हूँ। तो नाउ यहाँ पे डायरेक्ट टैक्स प्रोग्रेसिव इन नेचर एंड इनडायरेक्ट टैक्स रिग्रेसिव इन नेचर। चल पहला तेरा डिफरेंस लेते हैं, एक एक को इलैबोरेट डिटेल में जाते हैं। तूने कहा डायरेक्ट टैक्स पेएबल बाय पर्सन कंसर्न, हम किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकते। इनडायरेक्ट टैक्स क्या? ट्रांसफरेबल फ्रॉम वन पर्सन टू। अच्छा मुझे बताओ, इनकम टैक्स में कहाँ तक चैप्टर्स हो गए? सैलरी, सैलरी बोले तो हाँ हाँ, आपका सैलरी। अच्छा चलो, वहाँ तक तो हो गया सैलरी, आगे पीजीबीपी है तुम्हारा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मैं चलो यहाँ पे थोड़ा डिस्कशन को आगे बढ़ाता हूँ, सभी ध्यान से सुनिएगा, वो कॉर्नर से लेके वो कॉर्नर तक, ठीक है, मैं ध्यान सबका चाहूँगा। यहाँ सवाल ये है कि बेटा ऐसा तो नहीं हुआ होगा कि कोई मेडिटेशन से जाग गया और कहा आज से डायरेक्ट टैक्स लगा दो, बर्डन कैन नॉट बी ट्रांसफरेबल, फिर वापस मेडिटेशन में वापस उठा, आज से इनडायरेक्ट टैक्स लगा दो,
एंड बर्डन ट्रांसफरेबल. ऐसा कोई हुआ? कैसे डेवलप हुआ यार? डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एक्सेस, कुछ तो हुआ होगा. गो अहेड. वेरी गुड. ये भी अच्छा डिफरेंस है कि डायरेक्ट टैक्स जो है वो इनकम अर्निंग एक्टिविटी पे लगता है, लाइक इनकम टैक्स. फिर वो इनकम अर्निंग फ्रॉम सैलरी हो, हाउस प्रॉपर्टी हो, पीजीबीपी हो, कैपिटल गेन हो, अदर सोर्सेस हो, वो इनकम टैक्स लग रहा है. इनडायरेक्ट टैक्स जो है कमोडिटी पे लगता है, सर्विसेज पे लगता है. ये भी एक डिफरेंस है. लेकिन मेरा सवाल वही है कि भाई ये इनडायरेक्ट टैक्स, क्या किसी का ऐसा मूड हो गया था कि ये टैक्स ना इनडायरेक्ट कर दो और ये ट्रांसफरेबल कर दो, ये डायरेक्ट कर दो और ये ट्रांसफरेबल मत करो? क्या ऐसा हुआ? फॉर एग्जाम्पल, भाई मेरे वाइफ को पता चला आज बैच स्टार्ट हुई है, आई अर्न सम इनकम, अज्यूम 5 लाख, कैलकुलेटर मत लेना, अज्यूम 5 लाख. ओके, तो यहां 5 लाख जो है यहां इनकम किया है, नेट इनकम आफ्टर एक्सपेंसेस फ्रॉम माई बिजनेस, सभी खर्चा काट के 5 लाख बचे. ठीक है, अब 5 लाख मेरे वाइफ को पता चला. ओके, उसने कहा ओजी सुनते हो? अबे ओजी वगैरह आजकल कौन बोलता है? ओके, हमारा तो ऐसा ओके कॉन्वर्सेशन चलता है, मेरा नाम क्या है? विशाल. और मेरे वाइफ का नाम जो है? तो अब ऐसे केस में ओके चीजें तो ऐसी चलती है, इशू विशू. हाँ, तो उसने, हमारा इशू ये था, नहीं सॉरी, हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन ये था, जहां तक देखा जाए तो पॉइंट ऑफ डिस्कशन यहां पे ये था कि भाई ये आज 5 लाख का इनकम अर्न किया, मेरे वाइफ को पता चला, उसने कहा ओजी सुनते हो मुझे 50,000 चाहिए शॉपिंग के लिए. मैंने 50,000 शॉपिंग के लिए? पर ठीक है, ज्यादा झगड़ा मत करना, बाल चले जाते हैं. तो इन सिंपल मैंने जाके वापस बैठा है. तो ऐसे सिचुएशन में जहां तक देखा जाए तो मैंने कहा 50,000 ओके. पर इमेजिन करो, जस्ट थोड़ा आप सीरियस मोड पे आना, 5 लाख में से आपने इनकम टैक्स अज्यूम करते 10% दे दिया, अज्यूम करते कितना? 10%. अब वो स्लैब रेट वगैरह अभी मत लगाना, एक एजम्पशन ले लेते कि आपने 10% क्या दिया इनकम टैक्स, कितना बचा? 4,50,000. अब आपके हाथ में तो 4,50,000. अब जिसके साथ आप इनकम शेयर कर रहे हो, क्योंकि वो आपका नेट प्रॉफिट था, अब आप किसी के साथ भी शेयर कर सकते हो आपका नेट प्रॉफिट, सब खर्चा काट कर, उसमें भी आपने 50,000 का टैक्स दे दिया, बचा कितना? 4,50,000. अब जिसके साथ भी आप ये इनकम शेयर कर रहे हो, समझ लो मैं मेरे वाइफ को 50,000 दे रहा हूं, उसको मैं ट्रांसफर नहीं कर सकता. सर क्यों? रुको रुको रुको, गो स्लोली. उसको मैं ट्रांसफर नहीं कर सकता इसके बोलने के हिसाब से. क्यों? क्योंकि इनकम टैक्स इज नॉट ट्रांसफरेबल. इमेजिन करो कि उसको अगर मैं ट्रांसफर कर दूं, मेरे वाइफ को अगर मैं ट्रांसफर कर दूं, तो वो ऐसा होगा कि उसने मुझे कितने पैसे मांगे थे? 50,000. मैं उसको दे रहा हूं 48,000. मैं दे रहा हूं 48,000. शी सेड कि विशाल मैंने 50,000 मांगे, आपने 48,000 मुझे दिए. मैंने कहा समझ लो 50,000 मिल गए, माई वाइफ इज इंटीरियर डेकोरेटर. तो ना उसने कहा समझ लो, अरे मिले 48, कहां से समझ लो? तो मैं कहूंगा इनकम टैक्स 50 दिया, बर्डन पास ऑन. और हालत ऐसी हो जाएगी. दूसरा, ओके भाई मेरे पेरेंट्स हैं, फादर मदर, उन्होंने मेरे को यहां पे 50,000 मांगे, मैंने 48 दिए, उन्होंने भी कहा ये क्या है विशाल? ओके, मैंने कहा बर्डन पास ऑन. ओके भाई मेरा लड़का है, उसने कहा स्कूल फीस देनी है. ओके, मैंने पूछा कितनी? 20,000. मैंने 18,000 रुपए दी. उसने कहा नहीं सर, स्कूल में नहीं पापा, स्कूल में 20,000 देनी है. मैंने कहा 18,000 और स्कूल में बोल दे बर्डन पासान, पता चलेगा मैं सब मुझे घर के बाहर निकाल रहे हैं और मैं ऋतिक जैसा बर्डन पासान. इन सिंपल वर्ड, यहां पे अगर देखा जाए तो यहां पे मैं अगर जिसके साथ इनकम शेयर कर रहा हूं उनको मैं बर्डन पास ऑन नहीं कर पा, उसके पीछे भी रीजन है. बताओगा गो स्लोली, उसके पीछे भी रीजन है. दूसरा,
indirect tax. Burden transferable from one person to another. Go slowly. मैं कहूँगा कि बहुत सी चीजें दिमाग में चल रही होगी, सवाल उठ रहे होंगे. धीरे से जाते हर चीज समझ में आएगी, मेरी गारंटी. ठीक है, तो अब इनडायरेक्ट टैक्स कैसे डेवलप हुआ मैं बताता हूँ. चलो ओरिजिन पे जाते हैं. आज के 500 साल, 1000 साल, 1500 साल पहले कुछ ऐसी चीजें होती थी. और मैं बताता हूँ, इनकम टैक्स तो ये 15-16 सेंचुरी में डेवलप हुआ है. इनडायरेक्ट टैक्स तो बहुत पुराना टैक्स है, बहुत पुराना टैक्स. मैं आपसे एक स्टोरी कभी बचपन में पढ़ी आपने, वो स्टोरी से शुरुआत करूँगा. आपने कभी ये तो सुना होगा स्टोरी में, समझ लो यहाँ ये बंदा, यहाँ लेते हैं वीरू, अगर गब्बर सिंह के टेरिटरी में किंगडम, अजीम दरो कि यहाँ गब्बर सिंह किंग है, और वो एक किंगडम से, पुरानी बात, मोनार्की सिस्टम जब थी, गवर्न बाय किंग्स, समझ में आया ना. तो जब वो एक किंगडम से दूसरे किंगडम में बिजनेस करने जाता था, तो क्या उसे ऐसे ही परमिशन मिल जाती थी? नहीं, क्योंकि वो वहां वो एरिया में बिजनेस करने जा रहा है, कमोडिटी का, गुड्स का, सर्विसेज का बिजनेस करने जा रहा है. अरे है ना. तो अब वो जब बिजनेस करने जा रहा है वहां पे, तो ध्यान से सुनिएगा, वहां के किंग को पहले खुश करना पड़ता था. ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया क्या पता है, क्या थी ईस्ट इंडिया कंपनी? ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया क्या कि हर किंगडम में जाना, वहां के राजाओं को गिफ्ट पर गिफ्ट देना और परमिशन लेना बिजनेस की. अरे समझा क्या? ओके, तो यहां पे समझ लो एक छोटा सा कैलकुलेशन. आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हो, आपको पूछना चाहूंगा. समझ लो ये 1000 बैग क्वांटिटी, 1000 बैग ले जा रहा है, और ये 1000 बैग समझ लो उसकी वैल्यू 1 लाख है. कितनी बेटा? 1 लाख. ये 1000 बैग लेके जा रहा है, ठीक है, वो बिजनेस करने, पर वहां के किंग को गिफ्ट दे रहा है बिजनेस स्टार्ट करने के पहले. 100 बैग्स गिफ्ट दे रहा है, एक तरह की परमिशन ले रहा है. अरे आया ना. 100 बैग गिफ्ट दे रहा है, किंग को खुश कर रहा है, और फिर परमिशन मिल रही है बिजनेस की. अब जब वो मार्केट में बेचेगा तो कितनी बैग्स बेचेगा? 900 बैग्स बेचेगा. आया ना. तो उसका सेल होगा 900 बैग्स. अब मेरा आपसे सवाल यह है कि 900 बैग्स की वैल्यू अगर कॉस्टिंग प्रिंसिपल के हिसाब से निकालो तो 90,000 ही बनती है. अरे है ना, कॉस्ट 90,000 ही बनती है उसकी. तो अब वो करेगा क्या? क्या 90 में बेचेगा प्रॉफिट निकाल के, या जो उसने किंग को गिफ्ट दिया उसकी भी कॉस्ट अलोकेट करेगा? हाँ, उसकी भी कॉस्ट अलोकेट करेगा. अरे आया ना. तो उसने जो गिफ्ट दिया, ओके, तो यहां पे 100 बैग्स जो फ्री बांटी थी गिफ्ट में, उसकी कितनी कॉस्ट होगी? 10,000 वो कॉस्ट अलोकेट करेगा. तो उसकी वैल्यू कितनी होगी? 1 लाख. और वो 10% प्रॉफिट पे बिजनेस करना चाहता है. ये तो उसकी कॉस्ट हुई, है ना. तो 10% प्रॉफिट पे बिजनेस करना चाहता है, 10,000 और उसका प्रॉफिट. ध्यान से सुनिएगा, 10,000 और उसका प्रॉफिट, यानी कितना हुआ? 1,10,000. ओके, अगर आपने देखा होगा तो जो उसने किंग को दिया उसके एरिया में बिजनेस करने के लिए, उसने कस्टमर को कॉस्ट में ऐड करके पास ऑन कर दिया. कम ऑन, कोई भी प्रूडेंट बिजनेसमैन बिजनेस पर लगने वाली कॉस्ट, अरे है ना, बिजनेस करने के लिए लगने वाली कॉस्ट वो खुद बेयर नहीं करेगा, बर्डन पास ऑन करेगा. तो ये एक तरह का टैक्स ही था. पहले मॉनेटरी में दिया, पहले काइंड में दिया जाता था, फिर वो टैक्स में आया, फिर उसके नाम अलग अलग बने, एक्साइज, सेल्स टैक्स, वैट, पर ये सभी टैक्सेस बिजनेस करने के लिए लगे हुए टैक्सेस है. समझ में आ रहा है क्या? तो अब ऐसे केस में ये ऐसे नहीं डेवलप हुआ बेटा कि मैं यहां पे चलो बर्डन पास ऑन करो, ऐसा नहीं डेवलप हुआ. कोई भी बिजनेसमैन अगर उसको कॉस्ट लगी है तो वो कॉस्ट वैल्यू में ऐड करके क्या वो क्या करेगा? पास, उतनी प्राइस बढ़ा देगा. डिड यू अंडरस्टैंड? इसलिए इसका नेचर बना पेबल बाय वन पर्सन बट ट्रांसफरेबल टू अनदर. मैं ये बेसिक्स से लेके जा रहा हूं. आर यू गेटिंग मी? यस और नो? तो ये था बेटा इनडायरेक्ट टैक्स का नेचर, और सबसे पुराना टैक्स था इनडायरेक्ट. ये बिजनेस टैक्स है, ये इनकम टैक्स नहीं है. आई रिपीट, ये इनकम टैक्स नहीं है. ओके, मैं आपको एक बात बता दूं,
ओके, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स, अभी आप, मैंने इनडायरेक्ट टैक्स चालू किया है और इंटेंशनली मैंने अभी लिया है इनडायरेक्ट टैक्स, क्योंकि मैं चाहता हूं ये स्टेज पे आपका एटलीस्ट बेसिक इंट्रोडक्शन तो भी हो जाए. ओके, दोनों डिफरेंट पैरामीटर पे चलेंगे, दोनों डिफरेंट पैरामीटर पे चलेंगे, दोनों का सिर्फ एक ही कनेक्शन है, वो है टैक्स. इसके अलावा दोनों डिफरेंट पैरामीटर्स पे चलेगा, ये बर्डन पास ऑन होगा. ओके, तो यहां पे अगर इस थीम को मैं आगे लेके जाऊं, कम ऑन, इस थीम को पहले ये प्रॉब्लम मैं यहां सॉल्व कर लेते हैं. बहुत ही बेसिक से मैंने आपको लेके गया. देखो, मिस्टर वीरू अ मर्चेंट फूड ग्रेन, ही वांट टू डू बिजनेस इन द किंगडम ऑफ क्या, गब्बर सिंह. ही हैज ब्रॉट 1000 बैग्स फ्रॉम हिज विलेज फॉर बिजनेस ऑफ कॉस्टिंग 1000. ही हैज गिवन 100 बैग्स टू किंग गब्बर सिंह एज अ गिफ्ट फॉर हैविंग परमिशन टू डू बिजनेस इन द किंगडम. ही स्टार्टेड द बिजनेस इन द किंगडम ऑफ गब्बर सिंह. What is the price he will charge to customer if he want to earn the profit? कितना? 10%. तो लिख दो यहाँ डायग्राम में. चलो फटाफट जिसने भी नोट्स ले लिए डायग्राम में लिखो. लिखो cost of 900 bags. 90,000. Cost of 900 bag, 90,000. Second. Cost for gift. गिफ्ट 100 बैग्स, प्लीज 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 100 बैग्स कितना है बेटा वो? 10,000. टोटल कितना हुआ? 1,00,000. टोटल हुआ 1,00,000. और ये 1,00,000 पे प्रॉफिट मार्जिन उसका 10%, प्रॉफिट 10%, तो कितना हुआ? 10,000. टोटल कितना हुआ? 1,00,000. 10,000. 1,10,000. ओके, ये उसका प्राइस होगा. ये तो मैं बहुत बेसिक पे लेके जा रहा हूं बेटा, मैं आप धीरे धीरे इसको डेवलप करूंगा और मैं धीरे धीरे मैं यहां पे आपको ये भी समझाऊंगा एक्साइज क्यों आया था, सेल्स टैक्स क्यों आया था और बाद में अभी क्या जीएसटी क्यों आया फ्रॉम 1st of July. ठीक है, तो ये था जस्ट. तो इनडायरेक्ट टैक्स इज वेरी ओल्ड टैक्स, सबसे पहले डेवलप हुआ टैक्स है. ठीक है, इसको और थोड़ा हम आगे बढ़ाते हैं डिस्कशन को. जैसे आज अगर हम कमर्शियल टर्म्स में इसको ले, अब ये मत समझना गिफ्ट दे रहे गवर्नमेंट को हम, अब गवर्नमेंट को मोनेटरी टर्म में क्या दे रहे हैं? टैक्स. कम ऑन, मोनेटरी टर्म में क्या दे रहे बेटा? टैक्स. ठीक है, तो इस टैक्स अगर आप मोनेटरी टर्म में दो तो आज किस तरह से एग्जांपल होगा? तो आज का एग्जांपल, मिस्टर ए सोल्ड द गुड्स टू मिस्टर क्या बी फॉर रुपीज कितना? 1,00,000. ओके, सेल्स टैक्स इज पेएबल ऑन सच गुड्स एट द रेट कितना? 10%. गवर्नमेंट को सेल्स टैक्स देना है. ओके, डिटरमाइन द टोटल प्राइस चार्ज बाय मिस्टर ए टू मिस्टर बी. ओके, तो चलो फटाफट लिखो, सिंपल है क्या? प्राइस ऑफ गुड्स, प्राइस ऑफ गुड्स कितना है? 1,00,000. ओके, उसके बाद में सेल्स टैक्स कितना, क्या रेट से लग रहा है? सेल्स टैक्स एट द रेट 10%, कितना? 10,000. तो टोटल प्राइस चार्ज कितना हुआ? टोटल प्राइस चार्ज कितना हो? 1,10,000. नोट्स कलेक्ट कर लेना, जरूरत होगी. ठीक है, सभी ने जो भी आज जिसने भी कलेक्ट नहीं किया होगा, चलो 1,10,000 टोटल प्राइस हमने यहाँ पे रिकवर कर रहे हैं. नाउ डिस्कशन को थोड़ा आगे बढ़ाते, प्लीज 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 सबने ध्यान देना, डिस्कशन को आगे बढ़ाते. अब कोई भी इकोनॉमिकल लॉ में, मैं सबका ध्यान चाहूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात कहने जा रहा हूं, प्लीज सभी ध्यान दीजिएगा. कोई भी रेवेन्यू लॉ में जो टैक्स रिलेटेड हो, जो टैक्स रिलेटेड हो, मेन तीन इवेंट होते हैं. पहला इवेंट होता है लेवी, दूसरा इवेंट होता है असेसमेंट और तीसरा इवेंट होता है कलेक्शन. कोई भी इकोनॉमिकल लॉ तीन इवेंट्स में कैरी आउट होता है. ध्यान से स्लोली बिल्कुल सुनिएगा.
ओके, लेवी मींस व्हाट? क्रिएशन ऑफ चार्ज, क्रिएशन ऑफ लायबिलिटी. क्रिएशन ऑफ क्या बेटा? लायबिलिटी. क्रिएशन ऑफ लायबिलिटी. उसके बाद में व्हाट डू मीन बाय असेसमेंट? अच्छा, असेसमेंट ईयर हो गया, प्रीवियस ईयर हो गया. व्हाट डू मीन बाय असेसमेंट? करेक्ट करेक्ट. असेसमेंट मींस कैलकुलेशन, मींस क्वांटिफिकेशन ऑफ लायबिलिटी. थोड़ा उसको प्रॉपर वर्ड यूज करूं क्या? क्वांटिफिकेशन, क्वांटिफिकेशन ऑफ क्या? लायबिलिटी. क्वांटिफिकेशन ऑफ लायबिलिटी. एंड थर्ड उसका क्या बेटा? कलेक्शन. कोई भी इकोनॉमिकल लॉ, चलो आपने इनकम टैक्स पढ़ा, पहले चार्ज क्रिएट होता है, क्रिएशन ऑफ लायबिलिटी, देन क्वांटिफाई द लायबिलिटी एंड कलेक्ट द लायबिलिटी. पहले लेवी हुई इनकम, इनकम इंक्लूड सैलरी. अरे आया ना, इनकम की डेफिनेशन सेक्शन 2 में दी है. और इनकम इंक्लूड्स क्या? सैलरी. 5 हेड्स में इनकम कैटेगराइज की गई है. आपकी इनकम 5 हेड्स में कैटेगराइज की गई है. बताओ कौन कौन से 5 हेड्स? कमान, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन, अदर्स. 5 हेड्स में कैटेगराइज किया गया है. तो आपकी लेवी जो है, लायबिलिटी जो है इनकम टैक्स में, वो है इनकम अर्न. क्या बेटा? इनकम अर्न. ठीक है, वो इवेंट है जिसके ऊपर लायबिलिटी है. हर इकोनॉमिकल लॉ में एक ऐसा इवेंट होता है कि वो इवेंट को टच किया कि लायबिलिटी आ गई. ओके, वो इवेंट को टच किया कि करंट लगा. सर सर प्लीज इलैबोरेट. आ रहा हूं, आ रहा हूं. मुझे ये बताओ कि एक 2 साल का बच्चा है, कोई इनकम नहीं है उसकी, क्या उस पर कोई इनकम टैक्स लगाएगा? अरे इनकम टैक्स तो पर्सन पे है. नहीं, इनकम टैक्स का लेवी इनकम अर्न ये इवेंट पे है. नहीं समझे आप? समझ में आ रही क्या बात? इनकम अर्न ये इवेंट पे है. वो 2 साल का बच्चा भी पर्सन की डेफिनेशन में आता है. वो पर्सन है ना? हाँ, तो आपको सर ने समझाया होगा ना, पर्सन की डेफिनेशन दी, इंडिविजुअल, HUF. हाँ. तो अब ये सुनिए, ये पर्सन की जो डेफिनेशन है, वो बच्चा भी पर्सन है. फिर अगर इनकम टैक्स की लायबिलिटी पर्सन पे है, तो वो बच्चा क्यों नहीं दे रहा है? वो इसलिए नहीं दे रहा है क्योंकि उसने एक इवेंट को टच नहीं किया है. कौन सा इवेंट को टच नहीं किया? इनकम. अब बात को समझ रहे हो? तो एक्चुअल इनकम टैक्स की लायबिलिटी पर्सन पे नहीं है, वो इवेंट पे है. और जो पर्सन ने वो इवेंट को टच किया, वो तो गियो, वो तो गियो. ये समझ में आया क्या आपको? तो हर लॉ में एक इवेंट होता है. जैसे थोड़ा मैं आपको और समझाने के लिए बता दूं, पर्सन एक ही होता है पर वो बहुत सारे टैक्सेस देता है क्योंकि वो इवेंट को टच कर रहा है. जैसे उसने रॉ मटेरियल इंपोर्ट किया, करंट लगा कस्टम, क्योंकि इंपोर्ट किया तो उसको करंट लगा. क्या? कस्टम्स का. उसने वो इवेंट को टच किया. फिर वो रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स मैन्युफैक्चर किया, मैन्युफैक्चर किया, फिर से करंट लगा. एक्साइज, पुराने जमाने में सीपीटी में तो यही पढ़ा होगा. नहीं पढ़ा, चलो नॉलेज, जनरल नॉलेज, कि मैन्युफैक्चर पे क्या लगता था? एक्साइज. बंदा एक ही है पर दूसरे इवेंट को टच किया. क्या? मैन्युफैक्चर. फिर मैन्युफैक्चर किया हुआ गुड्स सेल किया, सेल्स टैक्स. अरे आया ना, फिर से करंट लगा क्योंकि उसने वो इवेंट को टच कर दिया. ओके, अपना ही गुड सेल करने के बाद सर्विसेज दी, सर्विस टैक्स आया ना. और वो जो सेल किया उसमें से इनकम जनरेट किया, इनकम टैक्स. पर्सन एक, टैक्सेस अनेक. समझ रहे हो क्या आप? तो हर एक्ट में टैक्स का एक इवेंट होता है जो इवेंट पे पूरी लायबिलिटी रखी है. इनकम अर्न, फिर वो सैलरी है और आप अभी सैलरी को क्वांटिफाई कर रहे हो, सैलरी प्लस डी. हाँ, तो वो क्वांटिफाई कर रहे हो और बाद में क्या करोगे आप पे? हम जीएसटी भी ऐसे ही पढ़ेंगे. ऐसा कौन सा इवेंट है कि इस पे जीएसटी लगाया किया? ओके, ऐसा मैंने क्या कर दिया कि जीएसटी लगा रहे हो?
कौन सा वो इवेंट है जिसमें जीएसटी है, अरे समझ रहे हैं ना, तो हम वो जरूर देखेंगे, क्रिएशन ऑफ लाइब्रेरी। अभी थोड़ा थोड़ा पुरानी इसमें जाते हैं, 1 जुलाई 2017 के पहले जाते, सेल्स टैक्स लगता था, थोड़ा ये पढ़ा है थोड़ा बहुत, सब बोला हाँ, और बेटा नहीं भी समझ में आ रहा तो हाँ बोलना, कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि हाँ ठीक है, हाँ बोलने की आदत लगा दो, ठीक है मुझे तो लग गई है पिछले 10 साल में शादी के बाद। हाँ तो अब यहां पे ध्यान से सुनो, यहां पे सेल्स टैक्स ये सेल इवेंट पे था, और जो भी सेल करेगा वो वैट या सेल्स टैक्स दे, पहले सेल्स टैक्स बाद में नाम था वैट। ओके, फिर मैं ये समझाना क्यों चाहता हूं, देखो आगे वाला एग्जांपल, मैं ये क्योंकि सेल्स टैक्स है पर्सन पे नहीं था, वो इवेंट पे था, और जो भी वो इवेंट को टच करेगा सेल्स टैक्स लगेगा या वैट लगेगा। ये समझ में आया क्या? मतलब मैं आपको ये कहना चाहता हूं, मैन्युफैक्चरर ने डिस्ट्रीब्यूटर को सेल किया, करंट लगा, कौन सा करंट लगा? सेल्स टैक्स। फिर डिस्ट्रीब्यूटर ने होलसेलर को सेल किया, फिर से करंट लगा, कौन सा? सेल्स टैक्स। फिर डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर ने रिटेलर को सेल किया, फिर से करंट लगा, क्या? सेल्स टैक्स। क्योंकि सर ये तो गुड्स तो वही जा रहा है, समझ लो टीवी बन रही है फैक्ट्री में, और वही टीवी यहां कस्टमर तक आ रही है, टीवी एक ही है पर बार 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 क्या लग रहा है? सेल्स टैक्स। तो या बार बार क्या लग रहा है बेटा? सेल्स टैक्स। क्योंकि सेल्स टैक्स जो है वो पर्सन पे रखा हुआ है या इवेंट पे रखा हुआ है, और जो वो इवेंट को टच करेगा वो तो गियो। समझ में आ रहा है? मतलब थोड़ा चीजें को डेवलप करो, थोड़ा चीजों कि यहां पहला सेल हुआ सेल्स टैक्स लगेगा, दूसरा सेल हुआ सेल्स टैक्स, गुड्स वही सिर्फ हैंड शिफ्ट हो रहे है। अरे है ना, हैंड शिफ्ट हो रहे है, और जितने बार या हैंड शिफ्ट हो गए उतने बार क्या लगेगा? सेल्स टैक्स। इज इट क्लियर? चलो एग्जांपल लिखो और इसको इलैबोरेट करता हूं। ओके, मैन्युफैक्चरर ने डिस्ट्रीब्यूटर को गुड्स बेचा, समझ लो प्राइस है 1,00,000, 1,000 ही लेते। ओके, प्राइस है 1,000, लिखो वहां पे प्राइस है 1,000, सेल्स टैक्स रेट अज्यूम 10%, कितना सेल? ओके, सेल्स टैक्स एट द रेट 10% कितना हुआ? 100। टोटल प्राइस कितनी हुई? 1100। पहले तो मुझे बताओ गवर्नमेंट को कौन पे करेगा ये टैक्स? गवर्नमेंट को कौन देगा? मैन्युफैक्चरर, क्योंकि लेवी उसके लाइबिलिटी उसके ऊपर क्रिएट की है ना, वो पे करेगा। लेकिन वो पे करने के बाद आप इनवॉइस में किससे रिकवर कर लेगा? इनवॉइस से किससे रिकवर कर लेगा? डिस्ट्रीब्यूटर से। बर्डन पास ऑन, ये समझ में आया क्या? बर्डन पास ऑन, पेएबल बाय 1% बट बर्डन पास ऑन, ठीक है। अब आ गए हम डिस्ट्रीब्यूटर की परचेस प्राइस क्या हुई? 1100। डन, आगे बढ़े। चलिए अब डिस्ट्रीब्यूटर का वैल्यू एडिशन सुनो, वैल्यू एडिशन ले लेते हैं डिस्ट्रीब्यूटर का यहां पे, और वो है 200 रुपए। अभी ये सर एक बात बताओ सर, ये वैल्यू एडिशन यानी क्या? एक नया वर्ड आपके डिक्शनरी में डाल रहा हूं, वैसे आपको पता है आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हो। वैल्यू एडिशन का मतलब उसकी परचेस वैल्यू 1100 रुपए की थी, प्लस उसने और कुछ ऐड किया, मतलब ओके उसका भी शोरूम है, उसको भी कॉस्ट लग रही है, उसको भी सैलरी देना पड़ रहा है, तो वो प्रोडक्ट के वैल्यू पे कुछ और कॉस्ट ऐड करते जा रहा है। अरे हाँ है ना, वो कॉस्ट ऐड करते जा रहा है, प्रोडक्ट वही है और उसका भी वेयर हाउस है, शॉप है, शोरूम है, ओके उसके भी सैलरी वेजेस और अदर एक्सपेंसेस है, तो उसका वैल्यू एडिशन इंक्लूडिंग प्रॉफिट, कम ऑन, क्या? इंक्लूडिंग प्रॉफिट 200 है, मतलब एक टीवी पे 200 रुपए उसका प्रॉफिट पकड़ के लग जाता है एक्स्ट्रा। तो मैं आपसे पूछेगा वो आगे कितने में बेचेगा, उसके परचेस कॉस्ट कितनी है? परचेस कॉस्ट कितनी है? 1100 प्लस उसकी कॉस्ट प्लस प्रॉफिट कितना लग रहा है? 200 रुपए वैल्यू एडिशन। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है इनडायरेक्ट टैक्स में,
कौन सा वर्ड बेटा? वेल, इससे एक वर्ड डेवलप हुआ, वैल्यू एडेड टैक्स, वैट। मैं वो वर्ड पे आऊंगा धीरे धीरे, ठीक है। तो ये वैल्यू एडिशन हुआ 200 रुपए। तो बताओ आगे उसका इनवॉइस जो बनेगा, वो इनवॉइस में कितने में बेचेगा वो आगे? 1300 में बेचेगा। ओके, तो प्राइस कितनी हुई? 1300। ओके, उसने सेल किया, सेल किया तो सेल्स टैक्स फिर से लगेगा। सो अब अगर यहां क्लास में कोई मान नहीं रहा होगा कि सर ये तो बात गलत है, वो प्रोडक्ट पे फीस, वही प्रोडक्ट, टीवी भी वो, सब कुछ वो, फिर से दोबारा सेल्स टैक्स। हाँ, अरे सर बट, नो बट शट, ओनली कट टू कट। अरे समझा नहीं समझा? उसने सेल किया तो क्या लगा? सेल्स टैक्स। मन को मना लो बस, क्या लगेगा दोबारा? तो अब यहां पे सेल्स टैक्स, सेल्स टैक्स कितना? 10%। कितना हुआ? 130। प्राइस कितना? 1430। बताओ होलसेलर को कितने में गिरा प्रोडक्ट? परचेस कॉस्ट 1430। होलसेलर का वैल्यू एडिशन 300 है, वैल्यू एडिशन। अब ये वैल्यू एडिशन मतलब क्या बेटा? उसका कॉस्ट प्लस प्रॉफिट 300 है। आगे वो कितने में बेचेगा? 1730। तो वापस आगे वो बेच रहा है, किसको बेच रहा है? रिटेलर को, ठीक है। तो फिर से इनवॉइस बनाएगा, और इनवॉइस बना के प्राइस कितने में? प्राइस नहीं नहीं 1730। उसके ऊपर सेल्स टैक्स, सेल्स टैक्स एट द रेट 10%। कितना हुआ? 173। टोटल प्राइस 1903। अच्छा, रिटेलर की परचेस कॉस्ट 1903। वैल्यू एडिशन लिख दो रिटेलर का, रिटेलर का 400 रुपये वैल्यू एडिशन, वैल्यू एडिशन 400 रुपये। तो उसका सेल प्राइस कितना होगा लास्ट कस्टमर तक? प्राइस ऑफ द गुड्स कितना हुआ? 2303। उसके ऊपर सेल्स टैक्स, फिर से सेल्स टैक्स 10%, यानी कितना हुआ? 233.3। मतलब टोटल 2533.3। ये लास्ट प्राइस है बेटा। मतलब ये हुआ कि अगर आप देखते हो तो जब तक प्रोडक्ट कस्टमर के हाथ में नहीं आता है तब तक वो प्रोडक्ट पे कितने बार टैक्स लग गया पता है आपको? कितने बार टैक्स लगा आपको पता है? 4 बार। क्यों? क्योंकि 4 बार सेल ट्रांजैक्शंस हो गए। अरे यस और नो? एंड एंटायर बर्डन ऑफ टैक्स, कम ऑन, क्या कहा मैंने? एंटायर बर्डन ऑफ टैक्स मतलब 100 प्लस 130 प्लस 173 प्लस 230 पास ऑन टू क्या? कस्टमर। एंटायर बर्डन ऑफ टैक्स। तो ये सेकंड केस में गवर्नमेंट को कौन देगा? तो सेकंड केस में गवर्नमेंट को बेटा कौन देगा? डिस्ट्रीब्यूटर, एंड बर्डन पास ऑन। थर्ड केस में गवर्नमेंट को कौन देगा? होलसेलर, एंड बर्डन पास ऑन। ओके, और लास्ट केस में गवर्नमेंट को कौन देगा बेटा? तो यहां पे रिटेलर, एंड बर्डन पास ऑन। ये जो है 130 रुपीज देगा। ओके, ये यहां पे 173 देगा। ओके, यहां पे ये कितना देगा? 230.3। ओके, एंड द एंटायर बर्डन पास ऑन। आर यू गेटिंग मी? इस तरह से इनडायरेक्ट टैक्स का डेवलपमेंट हुआ। ओके, अब आते बेटा थोड़ा इनकम टैक्स पे। एक बेसिक डिफरेंस मैं आपसे पूछना चाहूंगा, नहीं तो मैं बताऊंगा ही आपको। इनकम टैक्स बिजनेस टैक्स है या इनकम पे लगने वाला टैक्स है? आपने ट्रिपल नाइन जीरो टू जीरो ठीक है। सो नाउ नेक्स्ट, कम ऑन, मेरे तरफ ध्यान दो। हाँ ठीक है, तो अब यहां पे इनडायरेक्ट टैक्स जो यहां क्या था, तो इनडायरेक्ट टैक्स यहां पे ध्यान से देखिए, ये बर्डन पास ऑन हुआ। भाई आपके सामने मैं आपका कॉमन सेंस जानना चाहूंगा, पीजीबीपी आपका नहीं भी हुआ होगा,
या हो गया होगा, चलो जो भी है, पीजीबीपी मतलब प्रॉफिट 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 एंड गेन फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। एक लॉजिक पूछना चाहता हूं आपसे, अगर इनकम टैक्स हम लगाने जाए एक बिजनेस के एक्टिविटीज पे, उसका टोटल सेल्स टर्नओवर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इमेजिन करना, उसका टोटल सेल्स टर्नओवर 50 करोड़ है, ट्रेडिंग एक्सपेंसेस डिडक्ट हो गए, आया ना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट वाले एक्सपेंसेस डिडक्ट हो गए, नेट प्रॉफिट बचा 50 करोड़ में से 5 करोड़, तो इनकम टैक्स किस पे आना चाहिए, 50 करोड़ पे या आपके नेट प्रॉफिट 5 करोड़ पे? सभी एग्री है? मतलब इसको दूसरे वे से मैं समझाना चाहता हूं, इसका मतलब यह हुआ कि आप इनकम टैक्स में यह मानते हो कि खर्चों का जो भी एक्सपेंसेस हुए उसके डिडक्शन मिलने चाहिए, और वो डिडक्ट होने के बाद, सुनिए ध्यान से, वो डिडक्ट होने के बाद जो नेट इनकम बची है उस पे टैक्स लगना चाहिए। सभी एग्री है? आगे बढ़ो, सब वो कॉर्नर से वो कॉर्नर तक सभी हाँ बोलेंगे, नेट प्रॉफिट पे टैक्स लगना चाहिए। चलो तू एग्री है, बोल। हाँ हाँ, तो अब यहाँ पे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, ये मैन्युफैक्चरर ने, सुनिए ध्यान से, मैन्युफैक्चरर ने अपना गुड्स बेचा था किसको, डिस्ट्रीब्यूटर को, ठीक है, मैं जर्नल एंट्री पूछूंगा, प्राइस थी गुड्स की, ध्यान से सुनिएगा, 1,00,000 रुपए, और सेल्स टैक्स लगाया था कितना, 10,000, 10% के हिसाब से, अच्छा टोटल प्राइस हुई 1,10,000, जर्नल एंट्री फॉर दिस सेल, जर्नल एंट्री फॉर दिस सेल, एनी वॉलंटियर, कम ऑन, एनी वॉलंटियर, बता रहे, हाँ कैश, कैश सेल है, कैश सेल है, हाँ कैश 1,00,000, नहीं नहीं पहले प्रॉपर वे से जाओ, क्या कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट 1,00,000, 1,00,000 आएगा या पूरा 1,10,000 आएगा, 1,00,000 सर, नहीं कस्टमर तो 1,10,000 पूरा देगा, सेल है, अरे है ना, कैश अकाउंट डेबिट, चलो 1,00,000 कैश अकाउंट डेबिट 1,00,000, एक मिनट तेरे हिसाब से जाते हैं, ओके देखते हैं नॉलेज यहाँ अकाउंटिंग का, 1,00,000 सेल्स टैक्स अकाउंट डेबिट 10,000, सेल्स टैक्स अकाउंट डेबिट, डेबिट मतलब लेना है, तू डेबिट कर रहा है सेल्स टैक्स को, मतलब वो रिसीवेबल है, हाँ सर, हाँ सेल्स टैक्स अकाउंट डेबिट 10,000, एक मिनट अकाउंट डेबिट 10,000, ओके आगे, टू सेल्स 1,10,000, टू सेल्स क्या 1,10,000, 1,10,000, पर अब तेरे को प्रैक्टिकली बताता हूँ, तूने जर्नल एंट्री तो मार दी, पर तेरा कस्टमर 1,10,000 देके गया है तेरे को, तेरा कैश लेजर 1,10,000 बताएगा, एग्जांपल के तौर पे तूने एडमिशन ली, तूने एडमिशन जब ली तो तू कैश देके गया विद जीएसटी, अरे आया ना, तो मुझे कैश अकाउंट डेबिट 1,10,000 से ही बतानी पड़ेगी, क्योंकि मेरे हाथ में 1,10,000 कैश आई, अरे आया ना, तो ये एंट्री गलत है, वो है कि कैश अकाउंट डेबिट कितना 1,10,000, ये 1,10,000 किसका किसका, ये 1,10,000 टू सेल्स, सेल्स का 1,00,000 मिला, अब कैश तो 1,10,000 मिली पर उसमें सेल का कितना 1,00,000 और टू सेल्स टैक्स पेबल कितना 10,000, ये सही एंट्री है, अरे हाँ है ना, और दूसरी एंट्री आएगी, अब जब मुझे देना पड़ेगा, पेबल निकाल लिया मैंने, अब जब मुझे देना पड़ेगा तो सेल्स टैक्स पेबल अकाउंट डेबिट कितना 10,000 टू कैश और बैंक 10,000, अब बेटा वो एंट्री परफेक्ट हुई, इज इट क्लियर, आगे बढ़ो, तो मतलब तुमने सेल्स, मैं एक छोटी सी बात इससे डेवलप करना चाहता हूं, और ये जिसको क्लिक हो गई ना बेटा, इनडायरेक्ट टैक्स का बेस तैयार, रेडी हो गया हमारा, ओके मुझे बताओ मैंने सेल्स कितने से रिकॉर्ड की, 1,00,000 से, हाँ या ना, चलो ये बंदे का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ध्यान से सुनिएगा, सेल्स, सेल्स कितना, कितने से रिकॉर्ड हुआ 1,00,000, 1,00,000 से रिकॉर्ड हुआ, अब
ये मैन्युफैक्चरर गवर्नमेंट को वो 1 लाख पे सेल्स टैक्स दे चुका है, कितना? 10,000। आगे बढ़ो, वो 10,000 दे चुका है, आगे बढ़ो। यहां तक सभी एग्री है? अब मैं ये बताऊं, उसके ट्रेडिंग एक्सपेंसेस जो भी हो गए, ठीक है, उसके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अदर एक्सपेंसेस, ओके, उसका ग्रॉस प्रॉफिट निकल गया, ये समझ में आया क्या बेटा? एक कंसेप्ट को समझो, ओके, मैं कभी कभी ऐसा भी लिखूंगा तो समझ जाना डॉक्टर की हैंडराइटिंग है। तो अभी सिंपल वर्ड में ग्रॉस प्रॉफिट आपका आया, और ग्रॉस प्रॉफिट आया 60,000 रुपए, उसमें से भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन, आपका नेट प्रॉफिट आया आपका 1 लाख, जो आपने 1 लाख का माल बेचा उसमें नेट प्रॉफिट आपको 20,000 रुपए बचा, सभी एक्सपेंसेस काट कर। अरे यस और नो? अज्यूम करो एक्सपेंसेस है और सभी एक्सपेंसेस काट कर कितना नेट प्रॉफिट बचा? 20,000। ओके, थोड़ा धीरे स्लोली जाओ, ओके, 20,000 ये प्रॉफिट बचा। आपका कॉमन सेंस क्या कहना है कि बिजनेस पे इनकम टैक्स तो लगता है, उसको नाम PGBP कहते हैं, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, उस पर इनकम टैक्स तो लगता है, आपको इनकम टैक्स में कवर हो गया। सो नाउ, अब मेरा सवाल आपसे क्या है, मेरा सवाल आपसे यह है कि मैं इनकम टैक्स 1 लाख पे लगाऊ या 20,000 पे लगाऊ? 20 लाख, सॉरी 20,000 पे, सभी एग्री है? क्यों? क्योंकि मेरा नेट प्रॉफिट इनकम, तो मैं आपको बता दूं रेवेन्यू और इनकम में फर्क है। रेवेन्यू 1 लाख है, कम ऑन, रेवेन्यू 1 लाख है पर इनकम 20,000 ही है, और इनकम टैक्स रेवेन्यू पे नहीं लगता है, ये समझ में आया? इनकम पे लगता है। कितनी इनकम है आपकी? 20,000। तो इनकम टैक्स कितने पे लगेगा? जो भी रेट होगा इस पे हमारा क्या लगेगा, कौन सा टैक्स लगेगा बेटा? इनकम टैक्स। अब आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहूंगा, क्या ये मैन्युफैक्चरर ने, सुनना ध्यान से, क्या ये मैन्युफैक्चरर ने इस 1 लाख पे गवर्नमेंट को सेल्स टैक्स ऑलरेडी दे दिया था? और ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, इनडायरेक्ट टैक्स रेवेन्यू पे लगता है। कम ऑन, इनडायरेक्ट टैक्स रेवेन्यू पे लगता है, कि टोटल बिजनेस का क्या रेवेन्यू है, कितना रेवेन्यू था बेटा? 1 लाख। हमने सेल्स टैक्स 20,000 पे लगाया या 1 लाख पे लगाया? हाँ, इनडायरेक्ट टैक्स तुम्हारे बिजनेस इनकम पे लगता, बिजनेस रेवेन्यू पे लगता है, समझ में आया क्या? तो आपकी सेल, इन सिंपल वर्ड, बहुत लेमन लैंग्वेज में कहो तो सेल प्राइस पे सेल्स टैक्स लगेगा, एक्साइज लगेगा, अभी GST लगेगा। इसलिए अगर मेरी फीस जो है, अगर मेरी फीस 16,000 प्लस GST है, तो मेरा प्रॉफिट 16,000 नहीं है, वो मेरा रेवेन्यू है, वो मेरा रेवेन्यू है। खर्चे भाई, बहुत खर्चे, देखो AC चल रहा है, ओके, नोट्स दी जा रही है, बहुत सारे खर्चे करने हैं, बचेगा कितना? 1,000 रुपये बचेगा हाथ में, एग्जाम्पल पर, इन शॉर्ट सब खर्चा जाके। तो ये अब मैं आपसे सवाल क्या पूछना चाहता हूँ, जो रियली आपको सोचना है, वो ये कि अगर ये मैन्युफैक्चरर 1 लाख पे ऑलरेडी गवर्नमेंट को रेवेन्यू दे चुका है, गवर्नमेंट को टैक्स दे चुका है, अब उसी 1 लाख में से बचे कितने थे? 20,000, वो 20,000 पे भी इनकम टैक्स लग रहा है। अरे आया ना, वो 1 लाख पे ऑलरेडी क्या दे चुका था? सेल्स टैक्स। उसी 1 लाख में से जो प्रॉफिट बचेगा, कितना प्रॉफिट बचेगा? 20,000, उसके ऊपर क्या लगेगा? इनकम टैक्स। तो क्या दिमाग में ऐसा थॉट नहीं आता है कि ये तो डबल टैक्सेशन हो रहा है, क्योंकि वो 1 लाख पे हम ऑलरेडी टैक्स दे चुके हैं, उसी 1 लाख में से 20,000 बचे हैं और वो प्रॉफिट बचा है, तो क्या उस प्रॉफिट पे भी फिर से टैक्स लगाया जाएगा? हाँ, कौन सा टैक्स? इनकम टैक्स। सर तो ये डबल टैक्सेशन है, फर्स्ट लुक में देखो तो हाँ, पर बेटा चेहरा क्या देखते हो, दिल में उतर के देखो ना। लीव द कॉर्पोरेट विल, गो बियॉन्ड द सीन। अरे है ना, गो बियॉन्ड द सीन। हाँ नहीं, वैसे देखो तो लगता है यार, अरे यार 1 लाख पे पहले टैक्स दे दिया और उसमें से जो बचा उसके ऊपर इनकम टैक्स भी ले रहे हैं, ये तो लूट रहे हैं, डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स।
ओके विजय सर, विशाल सर, हाँ, तो एक सिंपल सिंपल वर्ड में ये, हाँ बेटा, वैसे देखा जाए तो लेमैन के भाषा में यह डबल टैक्स है, लेमैन के भाषा में यह डबल टैक्स, पर दोनों का ऑब्जेक्ट बहुत अलग अलग है, इसलिए दो अलग टैक्सेस है। सर दूसरा वाला पॉइंट नहीं समझा, बता दो बेटा। इनडायरेक्ट टैक्स तो बिजनेस टैक्स था, ये तो पहले से चलते आ रहा था, किंग किंग गब्बर सिंह, ये तो कोई बिजनेस टैक्स था, वो तो बहुत पहले से चलते आ रहा था जब से इकोनॉमी बढ़ी। समझ में आया कि भाई गिफ्ट देना और कॉस्ट में ऐड कर लेना। 14th-15th century, 500 साल पहले। अब बता दो क्या इनकम टैक्स कैसे पिक्चर में आया, ध्यान से सुनिएगा। इनकम टैक्स पहले इनकम टैक्स नहीं था, इनकम टैक्स डेवलप ही हुआ 14th-15th century में। पहले सिर्फ इनडायरेक्ट टैक्सेस लगते थे। सर ये क्यों डेवलप हुआ बता दो, अब ध्यान से सुनना क्या हुआ बेटा। अगर गवर्नमेंट, जो भी गवर्निंग बॉडी होगी, किंग होगा, ठीक है, अगर गवर्नमेंट इनडायरेक्ट टैक्स लगा रही है, बिजनेस टैक्स लगा रही है, तो ये लोग क्या कर रहे हैं पता है क्या, बर्डन पास ऑन, ये खुद बेयर नहीं कर रहे। देते तो खुद थे लेकिन प्राइस में रिकवर कर लेते थे, किससे, कस्टमर्स, और बर्डन किसके ऊपर आता था, कस्टमर पे, ठीक है। मतलब कस्टमर प्राइस का भी बर्डन ले रहा है और टैक्स का भी बर्डन, मेरी बात समझ में आ। अब देखो क्या हुआ, इसमें क्या होने लगा कि जो बिजनेस कम्युनिटी थी, जिसे वैश्य कहते थे पहले, जो बिजनेस कम्युनिटी थी, समझ में आ, उनका प्रॉफिट उनके पास बसते जा रहा है और उनके ऊपर टैक्स लगाया जा रहा है, तो बर्डन पास हो और प्रॉफिट जो है वो बढ़ते जा रहा है। इनकी तिजोरियां भरने लगी, इनकी क्या तिजोरियां भरने लगी, इकोनॉमी दो पार्ट में डिवाइड होने लगी, रिच क्लास एंड पुअर क्लास, क्योंकि ये कमाते जा रहे और टैक्स लग रहा है, बर्डन पास, बर्डन अल्टीमेटली पब्लिक पे ही आ रहा है। अरे हाँ या ना, और इनकी तिजोरियां भरने लगी और इकोनॉमी दो पार्ट में डिवाइड होने लगी, रिच क्लास एंड पुअर क्लास। अब जब भी कोई स्टेट की, कंट्री की इकोनॉमी दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है तो वो बहुत डेंजरस सिचुएशन होती है। क्यों डेंजरस सिचुएशन होती है, वो इसलिए डेंजरस सिचुएशन होती है कि जिसके पास पैसा होता है वो पूरा कंट्रोल कर लेता है। आज कंट्रोल अदानी और अंबानी का ही है, अरे है ना, वो इनडायरेक्ट टैक्स फॉर्म, इनडायरेक्ट है, इनडायरेक्ट, वैसे दिखते हैं मोदी जी, समझ में आया क्या। तो इन सिंपल वर्ड कंट्रोल उनका आ जाता है क्योंकि पैसा जमा हो जाता है। नो, ये नहीं चाहिए, इकोनॉमी दो पार्ट में डिवाइड नहीं होनी चाहिए, इकोनॉमी बैलेंस होनी चाहिए, सबका जीडीपी बढ़ाना है तो इकोनॉमी पूरी बैलेंस होनी, सबके पास रेवेन्यू जनरेट होना चाहिए तो ही तुम्हारी ग्रोथ हो सकती है, अदरवाइज ग्रोथ नहीं हो सकती, कंट्री की ग्रोथ नहीं हो सकती, स्टेट की ग्रोथ नहीं हो सकती। तो फिर क्या करें, क्यों, क्योंकि पहले जिसके पास पैसा जमा होते जा रहा है, नेट प्रॉफिट तिजोरी में डाला जा रहा है, नेट प्रॉफिट तिजोरी में डाला जा रहा है, और रिच क्लास और पुअर क्लास दो इकोनॉमी डिवाइड हो रहा है, रिच बिकम मोर रिचर एंड पुअर बिकम मोर पुअर। तो फिर कुछ किंग ने यहां डिसीजन लिया कि नहीं, ओके, जिनकी तिजोरियां भर रही है तिजोरी से निकालो और पब्लिक में लाओ। ये समझ में आया क्या, और फिर पिक्चर में आया क्या इनकम टैक्स, फिर पिक्चर में आया इनकम टैक्स कि नहीं, डोंट अलाउ एनीबडी टू एक्यूमुलेट द इनकम, विथड्रॉ इट एंड ब्रिंग इन द पब्लिक फॉर एक्सपेंडिचर। और वो तब पिक्चर में आया इनकम टैक्स, ये समझ में आया। हेंस बर्डन ऑफ इनकम टैक्स इज नॉट ट्रांसफरेबल, क्योंकि तुम्हारे तिजोरी से निकाला हुआ है। अरे है ना, ओके, इसका ऑब्जेक्ट ये बिजनेस टैक्स नहीं है, इसका ऑब्जेक्ट है डोंट अलाउ एनीबडी टू एक्यूमुलेट द इनकम। इसलिए ओके, इट इज नॉट ट्रांसफरेबल, क्योंकि तुम्हारे तिजोरी से निकाला है और तुमको ही बेयर करना पड़ेगा। यू कैन नॉट ट्रांसफर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, आई होप यू अंडरस्टूड, ठीक है। ये इस पे इनकम टैक्स डेवलप हुआ, इसलिए बेटा इनकम टैक्स प्रोग्रेसिव इन नेचर है, जैसा जैसा पैसा बढ़ेगा, अरे आया ना, जैसा जैसा
पैसा बढ़ेगा। ओके स्लैब भी देखो बता तेरे को 10%, 20%, 30%, क्योंकि जैसा पैसा बढ़ेगा गवर्नमेंट कहता है तुमको मिला हमको भी चाहिए। प्रोग्रेस ही नहीं चल रहा। अरे मेरी बात समझ में आया क्या? आज एक बेगर है, एक बेगर को इनकम टैक्स देने की जरूरत नहीं है, एक्सेप्ट बॉम्बे का होगा तो, क्योंकि उसके पास पैसा ही नहीं, या विद इन एग्जम्पशन लिमिट है। कितनी एग्जम्पशन पता है क्या आपको? हाँ 2,50,000 विद इन बेसिक एग्जम्पशन है। यू नेवर सीन बेगर इज पेइंग इनकम टैक्स, क्योंकि इनकम ही नहीं होती। ये समझ में आया? तो बेटा ये डबल टैक्सेशन नहीं है, दोनों का ऑब्जेक्ट अलग अलग है। एज अ लेमैन लगता है डबल टैक्सेशन, रियल सेंस में है भी डबल टैक्सेशन, रियल सेंस में है भी डबल टैक्सेशन, पर दोनों का ऑब्जेक्ट अलग है। दोनों का ऑब्जेक्ट है, एक है बिजनेस टैक्स जो ट्रांसफर हो जाता है, बर्डन नहीं आता है, जो क्या ट्रांसफर हो जाता है, बर्डन नहीं आता है, और दूसरा क्या है तिजोरी टैक्स। तिजोरी टैक्स मतलब इनकम टैक्स। इसका ऑब्जेक्ट ही है किसी के पास पैसा जमा नहीं। तो बहुत सी बार लगता है यार, आप तो अभी जब कमाना चालू करोगे ना तब ऐसा लगेगा कि यार मैं मेहनत कर रहा हूं, मैं यहां पढ़ा रहा हूं, मैं कमा रहा हूं, और गवर्नमेंट सीधा सीधा 30%, सीधा सीधा मेरे। इसलिए लोग क्या अवॉइड करते हैं इनकम टैक्स पे करना फिर, क्योंकि मैंने मेहनत से कमाया, इतनी मेहनत किया और गवर्नमेंट सीधा 30 उनका, बाकी हमारा। तो इन सिंपल वर्ड बहुत दिक्कत जाती है, इसलिए लोग छुपाते हैं इनकम टैक्स। सबसे ज्यादा रेड अगर पड़ती है तो वह है इनकम टैक्स, क्योंकि लोग छुपाते हैं। इज इट क्लियर? तो एक बार फिर से अभी डेवलप हो जाओ। इनडायरेक्ट टैक्स का कैलकुलेशन करोगे तो रेवेन्यू पे चलेगा, और इनकम टैक्स का कैलकुलेशन करोगे तो नेट प्रॉफिट पे चलेगा। बिजनेस से रिलेटेड अगर हम बात करें, ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स ट्रांसफरेबल है क्योंकि वो बिजनेस वाला टैक्स है, कोई भी प्रूडेंट बिजनेसमैन वो ट्रांसफर करेगा ही करेगा। इनकम टैक्स ट्रांसफरेबल नहीं क्योंकि वो तिजोरी टैक्स है, तुम्हारे तिजोरी से निकला है। अरे यस और नो? ओके, उसका ऑब्जेक्ट बहुत क्लियर है, डोंट अलाउ एनीबडी टू एक्यूमुलेट इनकम, एक्यूमुलेट द इनकम, निकालो और पब्लिक में लाओ और बैलेंस करो इकोनॉमी, और वो किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकता। ठीक है, चलो ये था, इसलिए तेरा डिफरेंस क्लियर हुआ। Why the income tax or direct tax is payable by person concerned, or why indirect tax is transferable from one person to another person? ठीक है, दूसरा, किसी ने कहा था इनडायरेक्ट टैक्स कमोडिटी टैक्स है और सर्विस टैक्स है। बेटा इंडिया में बिजनेस तीन ही चीजों का होता है, इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में, ध्यान सुनो, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स बिजनेस टैक्स है, और बिजनेस तीन ही इसमें होता है, एक मूवेबल गुड्स में, एक क्या मूवेबल गुड्स में, दूसरा इमूवेबल में, और तीसरा सर्विस। इसके अलावा बिजनेस ही नहीं है, मेजर तीन ही बिजनेस है। देखो जिसके यहां भी बिजनेस होगा, आयदर उनके यहां ट्रेडिंग होगा गुड्स का, मैन्युफैक्चरिंग होगा गुड्स का, या फिर सर्विसेस होगी, अरे है ना, या फिर रियल इस्टेट में होगा। इन तीनों के अलावा क्या बिजनेस है? डिड यू अंडरस्टैंड? इसलिए इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो किस पे लगता है? क्योंकि बिजनेस टैक्स। ओके, बिजनेस गुड्स और सर्विसेज, गुड्स और सर्विसेज। इसमें अभी रियल इस्टेट मत लाना, इमूवेबल मत लाना, क्योंकि हम जीएसटी पढ़ने वाले हैं, और जीएसटी मतलब गुड्स एंड सर्विसेज। अरे आया ना, हम जीएसटी पर आने वाले हैं, इसलिए गुड्स एंड सर्विस। इमूवेबल प्रॉपर्टी थोड़ा पिक्चर के बाहर रखो, ठीक है? तो अब यहाँ पे ये हमने बातें की डायरेक्ट और क्या बेटा इनडायरेक्ट टैक्स की। अब मैं एक आपको एक बात और बता दूं, एक और डिफरेंस जो बड़ा इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। इनडायरेक्ट टैक्स तो तेरा इनकम टैक्स प्रोग्रेसिव इन नेचर, बट इनडायरेक्ट टैक्स क्या रिग्रेसिव इन नेचर। ओके, इनडायरेक्ट टैक्स रिग्रेसिव इन नेचर। अब थोड़ा मैं सबका ध्यान चाहूंगा, प्रोग्रेसिव नेचर क्यों है बेटा? जिसके पास पैसा आएगा वही देगा, जिसकी तिजोरी भरेगी
जिसकी क्या तिजोरी भरेगी वही देगा, पर इनडायरेक्ट टैक्स इंडिया का बच्चा बच्चा कॉन्ट्रीब्यूट करता है। ओके, हम एक बार बहुत बोलते हैं, कभी सुनो यार, आप और आपके ना कमर्शियल कॉमर्स कोर्स कर रहे हो, आपको समझना चाहिए। बहुत सी बार अभी बीच में दिल्ली का जब इलेक्शन हुआ तो बहुत सी बार ये भी हुआ कि भाई ओके टैक्स पेयर का पैसा फ्री बांट रहे हैं, फ्री बीज दे रहे हैं, ऐसा दे रहे हैं, ऐसा दे रहे हैं। बेटा टैक्स केयर पर पैसा इनकम टैक्स में मानता हूँ, जिन्होंने इनकम टैक्स है, पर ये मत समझना कि इनडायरेक्ट टैक्स वो जिसको फ्री दिया जा रहा है, गरीब लोगों को फ्री दिया जा रहा है, बेगर को फ्री फैसिलिटी दी जा रहा है, उन्होंने कॉन्ट्रीब्यूट नहीं किया, उन्होंने पूरा कॉन्ट्रीब्यूट किया इनडायरेक्ट टैक्सेस में। आज एक बेगर बिस्किट का भी पैकेट खरीदता है ना, बिस्किट, तो वो MRP इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस होती है, उसमें सेल्स टैक्स भी होता है और एक्साइज भी होता है। और इनकम टैक्स का है कितना रेवेन्यू? ओके, टोटल 100% में से 65-70% इनडायरेक्ट टैक्स का रेवेन्यू है और 30-35% इनकम टैक्स का। यह गलत धारणा है कि सिर्फ टैक्स पेयर मतलब इनकम टैक्स पेयर। आज इंडिया का बेगर भी, एक बच्चा भी जब चॉकलेट खरीदता है तो टैक्स में कंट्रीब्यूट कर रहा है और हर मूवमेंट में कंट्रीब्यूट कर रहा है जब जब भी वो चॉकलेट खाता है। अरे आप नहीं समझते हो, आप सुबह से कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हो पता है क्या आपको? ओके, हर दिन आप, हर वक्त आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो सुबह। ओके, समझ लो आप चाय पीने पर कोई ऐसे होटल में गए जिसके पास GST रजिस्ट्रेशन है, CCD में गए, उसको GST दे रहे हो, उसको आप GST का पेमेंट कर रहे हो, फिर आप क्लास आ रहे हो, क्लास में कोचिंग लगाया उसका GST का पेमेंट है। ओके, जब जब भी आप टैक्सेस इंक्लूसिव ऑफ MRP, आप चिप्स खा रहे हो, आप बिस्किट्स खा रहे हो इंक्लूसिव ऑफ, जिस हर मोमेंट पे आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो, आप देश को बहुत सारा दे रहे हो, आपको पता नहीं है, इनडायरेक्ट टैक्स फॉर्म में। मेरी बात समझ रहे हो क्या आप? यस और नो? तो दो मिनट। ओके, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इनडायरेक्ट टैक्स के थ्रू। इसलिए बेटा ऑब्वियसली जब एक बच्चा भी इनडायरेक्ट टैक्स दे रहा है, एक बेगर भी इनडायरेक्ट टैक्स दे रहा है, बिकॉज अल्टीमेट बर्डन पास ऑन, तो ऑब्वियसली बताओ रेवेन्यू किसका ज्यादा रहेगा, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट टैक्स? ऑब्वियसली इनडायरेक्ट टैक्स का, हर मोमेंट पे कॉन्ट्रीब्यूट हो रहा है, जब भी कमोडिटी खरीदी जा रही है, जब जब भी सर्विसेस खरीदा जा रहा है। ये बात समझ रहे हो आप? अरे यस और नो? ओके, आपके सवाल बहुत हो गए। सर जब इनकम टैक्स का पहला लेक्चर हुआ था तो हमको पहले दिन समझाया गया था, व्हाट डू यू मीन बाय असेसमेंट ईयर, व्हाट डू यू मीन बाय प्रीवियस ईयर। सर आप नहीं समझाओगे ऐसा? भाई मेरे सब्जेक्ट में ऐसा कुछ होता ही नहीं है। क्यों नहीं होता है? मुझे ये बता, ये बताओ, जब एक शॉपकीपर, एक मिनट सुनना, जब एक शॉपकीपर बिस्किट बेच रहा है या आपको कोई लेस कुरकुरे के पैकेट बेच रहा है, तो क्या वो टैक्स असेसमेंट ऐसा करेगा कि एक काम कर तू अभी कुरकुरे लेके जा ना, नेक्स्ट ईयर आना असेसमेंट ईयर में, तब टैक्स असेस करेंगे? ऐसा करेगा? वो कहेगा देख यार अभी कुरकुरे के प्राइस 100 रुपए है, हाँ इसपे मैं GST लगाऊंगा, पर अब ये तो प्रीवियस ईयर रहा, नेक्स्ट ईयर में आना असेसमेंट ईयर में, मस्त भाई की, अरे है ना मस्त भाई की, नेक्स्ट ईयर में आना, नेक्स्ट ईयर में आएगा तो तूने जितने भी लेज और कुरकुरे के पैक लिए हम असेसमेंट करेंगे 31 जुलाई के पहले। अरे आया ना, ऐसा इनकम टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स में पॉसिबल है? नहीं। ये तो बात ऐसी हुई कि मैंने आपकी एडमिशन ले ली, बेसिक फीस 16,000 प्लस GST बोला, पर मैंने आपको कहा एक काम करना GST अगले साल आके देना, हाँ GST अगले, क्योंकि हम सुनो हम GST असेस करेंगे, क्वांटिफाई करेंगे, अगले साल करेंगे, और आपने अगले साल देना है नौ लॉय को। पता है क्यों? ओके, अगले साल आप अभी तो हाँ आएंगे, नेक्स्ट ईयर कॉल लगाया, अरे वो तुम्हारा हाँ हेलो कौन कोई आने वाला नहीं। इसलिए एक बात बता देता हूं, इनडायरेक्ट टैक्स इमीडिएट ट्रांजेक्शन पे क्वांटिफाई होता है। नहीं समझे, इनडायरेक्ट टैक्स क्या इमीडिएट ट्रांजेक्शन होते ही क्वांटिफाई हो जाता है, क्योंकि वो बिल में लगा के देना पड़ता है, कस्टमर बाद में आने वाला नहीं। इसलिए यहां पे असेसमेंट ईयर तो छोड़ दो, दूर की बात है, यहां तो इमीडिएट क्या ट्रांजेक्शन पे ही असेसमेंट है।
इसलिए इनडायरेक्ट टैक्स में ना कोई प्रीवियस ईयर है, ना कोई असेसमेंट ईयर है, इनडायरेक्ट टैक्स में अभी के अभी इमीडिएट क्वांटिफाई होता है। फिर जो भी आपकी प्राइस है, जो भी रेट है, क्वांटिफाइड एंड पेड। इसलिए यहां पे ऐसा नहीं है कि इस बार असेस करेंगे फिर नेक्स्ट ईयर पे करेंगे। ओके ये क्या था? अभी के अभी आपको इमीडिएट अभी असेस करना है। ओके असेस करके आपको मंथली बेसिस पे करना है, खत्म, बात ही खत्म। इसलिए आप बहुत सी बार सुनोगे भी जिसका बिजनेस है, अरे जीएसटी रिटर्न की ड्यू डेट आ गई, मंथली देना है, जीएसटी टैक्स पेमेंट करना है। ऐसे ईयरली नहीं सुनोगे आप, मंथली सुनोगे। मेरी बात समझे क्या आप? तो हां बेटा, ये बात है कि पहली बात, यहां कोई ना असेसमेंट ईयर है, ना कोई प्रीवियस ईयर है, यहां अभी के अभी। पर सर इनकम टैक्स में ऐसा क्यों नहीं अभी के अभी? थोड़ा इमेजिन करते, सर थोड़ा इमेजिन करते। सर इनकम टैक्स में भी ऐसा हो जाता कि अभी जितनी इनकम हुई अभी के अभी, तो क्या होता पता है क्या? अगर भाई तुम्हारा जो, क्योंकि इनकम टैक्स रेवेन्यू पे लगता है या प्रॉफिट पे लगता है? प्रॉफिट पे लगता है। अरे यस और नो? अब इमेजिन करो यहां अभी के अभी फंडा होता, यहां अगर कौन सा वाला फंडा अभी के अभी होता, तो सेल हुआ 1 लाख का, रुक जा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना दे, नेट प्रॉफिट कितना हुआ अभी अभी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना दे। किसी ने चॉकलेट खा, सुमान लो तुम्हारी स्टेशनरी या ग्रोसरी शॉप है, किसी ने बच्चा आया चॉकलेट खरीदने, अच्छा 2 रुपए का चॉकलेट, रुक जाए इसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओ। ओके 2 रुपए का चॉकलेट सेल्स, ट्रेडिंग एक्सपेंसेस परचेसेस, फिर इसको अरे यार इसकी प्रोपोर्शनेट सैलरी कैसे निकालू, प्रोपोर्शनेट वेजेस कैसे निकालू, फिर तो ऐसा हो जाएगा आपको पता है क्या, वो रिटेलर जो है बिजनेस करने के बजाय रुक जा रहे, कस्टमर आया रुक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे। पॉसिबल है क्या हर ट्रांजेक्शन का इमीडिएट प्रॉफिट निकलना? प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। और ये बर्डन ट्रांसफर करना नहीं है, ये तो ईयर भी निकला, ईयरली भी निकला, तो भी हमको ही देना है। इनडायरेक्ट टैक्स तो अभी ट्रांसफर करना है, इसलिए अभी के अभी करना है बेटा। कुछ एक्सपेंसेस डायरेक्ट होते हैं, कुछ एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट होते हैं, कुछ एक्सपेंसेस कुछ पीरियड के बाद ही क्वांटिफाई होते हैं, जैसा रेंट 1 महीने के बाद ही पता चलेगा। अरे यस और नो? इसलिए फिर वहां ईयर, ये क्वांटिफिकेशन का टाइम लिया है कि ईयर होने के बाद ही आपको नेट प्रॉफिट पता चलता है। इसलिए वहां 2 कंसेप्ट आए, कौन से 2 कंसेप्ट आए बेटा? प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट। यहां और यहां इनडायरेक्ट टैक्स में असेसमेंट प्रीवियस ईयर इसलिए नहीं है, सुन लो असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर इसलिए नहीं है क्योंकि यहां क्वांटिफिकेशन प्रॉफिट पे नहीं है, यहां क्वांटिफिकेशन रेवेन्यू पे, और रेवेन्यू इमीडिएट आइडेंटिफाई हो जाता है। यहां पे रेवेन्यू क्या? इमीडिएट आइडेंटिफाई। आपसे 16,000 फीस ली होगी, 17,000 फीस ली होगी, ये रेवेन्यू आइडेंटिफाई हो गया, प्रॉफिट अभी इमीडिएट आइडेंटिफाई नहीं हो सकता। डिड यू अंडरस्टैंड? ओके सो ये था, चलो एक बार फिर से डिफरेंसेस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। पहला क्या, अब थोड़ा समझ के, हाँ डायरेक्ट टैक्स पेबल बाय पर्सन कंसर्न, ये एग्जाम में मत लिखना, ये तिजोरी टैक्स है, इट इज अ ट्रेजर टैक्स, डोंट अलाउ एनीबडी टू एक्यूमुलेट द इनकम, ये सीधा सीधा टेक्निकल वर्ड्स में, ये तो आपको समझने के लिए कि डायरेक्ट टैक्स इज पेबल बाय पर्सन कंसर्न, इनडायरेक्ट टैक्स पेबल बाय वन पर्सन बट ट्रांसफरेबल टू अनदर पर्सन। कम ऑन मुझे सबका इन्वॉल्वमेंट चाहिए। दूसरा ओके अच्छा मुझे बताओ, डायरेक्ट टैक्स तिजोरी टैक्स है मतलब इनकम अर्निंग एक्टिविटी पे? अरे है ना, डायरेक्ट टैक्स इज ऑन इनकम अर्निंग एक्टिविटी, इनडायरेक्ट टैक्स ऑन गुड्स और सर्विसेज और कमोडिटीज। डिड यू अंडरस्टैंड? रेवेन्यू फ्रॉम इनडायरेक्ट टैक्स इज मोर, रेवेन्यू फ्रॉम गवर्नमेंट रेवेन्यू from indirect tax is more and in indirect tax less, is it clear? ठीक है, और एक last, फिर यहां रुकते हैं, last का एक difference जो है बेटा वो ये कि मुझे ये बताओ, government ये tax collect करने के लिए department बनाती है जिसे हम income tax department कहते हैं, excise department, GST department कहते हैं। अच्छा बताओ, government ये डिपार्टमेंट, इनके जीएसटी कमिश्नर, ओके मतलब
एडिशनल कमिश्नर, ज्वाइंट कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, सुपरिटेंडेंट, इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स. इधर ध्यान दे, इधर ध्यान दे. ये पूरी हिरार्की क्यों बनाती है गवर्नमेंट? इन ऑफिसर को नहीं बनाया तो क्या होगा? अरे वी आर द ऑनर टैक्स पेयर, हम खुद जाके पे कर देंगे. है इतना आसान है क्या? ओके, अगर खुद जाके पे करने वाले होते, इंडिया इतना, इंडिया का सिटीजन इतना ऑनेस्ट होता, तो फिर तो बात ही खत्म हो जाती. ये तो बात ऐसी हो गई कि तुम्हारे पास बाइक दी हुई है और आरटीओ ही नहीं है, सिग्नल सब खुले. ठीक है, तो अब ऐसे सिचुएशन में ध्यान से सुनिएगा. अब भाई जो टैक्स नहीं देगा, कंट्रोल होना चाहिए, उनका रेड होना चाहिए, उनका इंस्पेक्शन होना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए. इसलिए डिपार्टमेंट अपना फौज बनाती है. ये क्या ऑफिसर फौज है? ओके, यहां गवर्नमेंट की कि ऑफिसर अपने फौज को कहता है जाओ फैल जाओ पूरे इंडिया में और देखो कौन कौन टैक्स दे रहा है नहीं दे रहा है. ये फौज है उनकी जो चेक करती है कि कौन टैक्स दे रहा है कौन नहीं दे रहा है, और जो नहीं दे रहा है ओके रेड करो, इन्वेस्टिगेशन करो, इंस्पेक्शन करो, जो भी है. डिड यू अंडरस्टैंड? तो गवर्नमेंट को अपनी फौज बनाने को खर्चा लगता है. और एक बार गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो गया ना बेटा, तो गवर्नमेंट का दामाद हो जाता है. पेंशन, ग्रेच्युटी, पीपीएफ, अरे है ना. तो गवर्नमेंट को इस पर खर्चा लगता है. तो मुझे आपसे सवाल पूछना है कि आपका कॉमन सेंस क्या बोलता है? गवर्नमेंट का खर्चा, दो रेवेन्यू कलेक्ट करने हैं गवर्नमेंट को, एक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट. गवर्नमेंट का खर्चा किस पे ज्यादा रहेगा? प्रॉपर सोच के बताना, डायरेक्ट पे या इनडायरेक्ट? अच्छा, कौन ये फेवर में है कि गवर्नमेंट का खर्चा डायरेक्ट टैक्स कलेक्ट करने में ज्यादा रहेगा? डायरेक्ट टैक्स कलेक्ट करने में. ओके, और कौन ये फेवर में है कि इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्ट करने में ज्यादा रहेगा? और बेटा बाकी क्या जज बन रहे? हाँ, बाकी क्या जज बन रहे कि भाई ये दोनों लड़ ले, हम देखेंगे. हाँ, अच्छा चलो आ जाओ सामने. और बहुत अच्छी बात है कि आप इंटरेक्टिव सेशन में नो, यस, मैं तो ज्यादा ये कहूंगा कि सेशन को इंटरेक्टिव बना रहे हो. कौन ये फेवर में कि डायरेक्ट टैक्स को ज्यादा खर्चा लगेगा? डायरेक्ट टैक्स को ज्यादा खर्चा लगेगा. मैं आपसे सुनना चाहूंगा, कौन है इधर? माइक उधर दे. अच्छा तू बता दे पहले. हाँ, डायरेक्ट टैक्स को सर वो छुपाएंगे तो उनसे निकलवाना जरूरी है. और अपन नहीं, नहीं बात सही है, बात सही है. क्योंकि इनकम टैक्स जो है वो ओके तिजोरी टैक्स, और लोग छुपाने की कोशिश करेंगे. अरे है ना, और यहाँ पे हम मैन्युफैक्चर, तो लोग छुपाने की कोशिश करेंगे. तो जितने वो उन जो भी छुपाने की कोशिश करेगा, उसमें गवर्नमेंट की फोर्स ज्यादा लगेगी, जो गवर्नमेंट के ऑफिसर्स ज्यादा लगेगा. अगे है ना. हाँ, अच्छा इनडायरेक्ट टैक्स क्यों नहीं छुपाएंगे सर? वहाँ पे पहले हम गवर्नमेंट को हमको पे करना पड़ेगा, फिर वो बर्डन पास करेगा. हाँ बहुत अच्छी बात है. चलो अब इसको मैं, इनडायरेक्ट टैक्स बहुत कम लोग छुपाते हैं, क्योंकि आपने मुझे जीएसटी दिया, आपने दिया, मैंने पे कर दिया, बर्डन पास हो, मैं क्यों रिस्क उठाऊं? क्योंकि मेरे पे थोड़ी बर्डन आ रहा है, मेरे पे थोड़ी बर्डन आ रहा है. जो भी गवर्नमेंट जीएसटी लगा रही है, सेल्स टैक्स लगा रही है, तो बर्डन क्या? पास हो. अब इमेजिन करो कि आपसे लिया हुआ जीएसटी मैंने गवर्नमेंट को नहीं दिया, तो यहां तो गवर्नमेंट का रेड हो जाएगा, मेरा सब यहां हॉल, यहां पे ट्रेनिंग को सब बंद हो जाएगा. मुझे लेना देना क्या है? आपने दिया मुझे एक्स्ट्रा, मैं गवर्नमेंट को दे दूंगा. तो इनडायरेक्ट टैक्स में जब मैन्युफैक्चरर डिस्ट्रीब्यूटर को, डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर को, होलसेलर रिटेलर को, और रिटेलर अल्टीमेट कंज्यूमर, तो बहुत कम लोग होते हैं जो छुपाते हैं इनडायरेक्ट टैक्स. क्यों? क्योंकि उनकी साइकोलॉजी बहुत क्लियर होती है कि पे एंड मुझे करना क्या है. अरे हाँ ना, मुझे करना क्या है, और मैं क्यों रिस्क लूं? मैं छुपाऊं और कल जाके मेरा बिजनेस बंद कर दिया तो? मैं बिजनेस करना चाहता हूं, टैक्स छुपाना नहीं चाहता. पर इनकम टैक्स मैं पास ऑन नहीं कर सकता, तो तुम्हारे पॉकेट को लगता है सीधा, तुम्हारे पॉकेट से छीना जाता है. ये समझ में आया क्या बेटा? यहां से दो चीजें निकलना बहुत मुश्किल है. ओके, एक है पैसा, एक है पैसा, दूसरा आप जानते हैं. अरे हाया ना, तो इन सिंपल वर्ड एक बात कह दूं, एक बार पैसा आपके पॉकेट में आ गया ना, तो यहां से निकालना बड़ा मुश्किल है. और इनकम टैक्स में यही प्रॉब्लम है, क्योंकि पैसा प्रीवियस ईयर में आ जाता है और निकालते असेसमेंट ईयर में. तो एक साल पैसा अगर टिक गया ना यहां पे,
मैं पैसों की बात कर रहा हूँ. तो एक साल अगर पैसा टिक गया ना यहाँ पे, तो फिर तब तक तो खा पी के खत्म. फिर गवर्नमेंट कहेगी हमारा इनकम टैक्स. समझ में आया? इसलिए यहां पे आपको बता देता हूं, यहां साइकोलॉजी इनकम टैक्स में ज्यादा है, टैक्स इवेजन की, टैक्स अवॉइडेंस की. दे रहो बेटा, छुट्टी दे रहो. ओके, टैक्स इवेजन की या टैक्स क्या अवॉइडेंस. ओके, देखना वो नहीं तो और कुछ फेंक देगा और कुछ बेंचेस वेंचेस तोड़ देगा. ठीक है, तो यहां जितनी ज्यादा साइकोलॉजी उतना ज्यादा फोर्स लगानी पड़ती है, फौज लगानी पड़ती है, उतने ज्यादा डिपार्टमेंट बनाने पड़ते, उतने ज्यादा इन्वेस्टिगेशन करने पड़ते, उतने ज्यादा इंस्पेक्शन करने पड़ते, उतने ज्यादा रेड करनी पड़ती है. और अगर आप प्रॉपरली पे कर रहे हो तो ज्यादा रेड करने की कोई जरूरत नहीं है, इन्वेस्टिगेशन करने की कोई जरूरत नहीं है. तो कम ऑफिस में यहां अगर क्लास में ऑनेस्टली सभी होमवर्क करें ना, ऑनेस्टली, तो मेरा बहुत कम से कम टाइम जाएगा. और अगर यहाँ क्लास में कोई ज़्यादा होमवर्क कर ही नहीं रहा है तो मैं यहाँ 2-3 लोगों को लगा रहा हूँ होमवर्क चेक करने, तो भी नहीं कर रहा है, तो वहाँ मेरा फोर्स बढ़ जाएगा, मेरा लेबर फोर्स बढ़ जाएगा. ठीक है, तो एक बार लास्ट कंक्लूड करते हैं. लास्ट डिफरेंस कॉस्ट ऑफ कलेक्शन, बताओ फिर से किस में ज़्यादा रहेगी? डायरेक्ट टैक्स में. और इनडायरेक्ट टैक्स में कम रहेगी. सीधी आयरनी, डायरेक्ट टैक्स से रेवेन्यू कंपैरिजन में कम है, इनडायरेक्ट टैक्स के कंपैरिजन में कम है, और गवर्नमेंट की कॉस्ट ज्यादा है. इनडायरेक्ट टैक्स में, इनडायरेक्ट टैक्स में रेवेन्यू ज्यादा है और गवर्नमेंट की कलेक्शन कॉस्ट कम है, क्योंकि इवेजन साइकोलॉजी कम है. ऐसा नहीं कि इनडायरेक्ट टैक्स में इवेजन नहीं होता है, जहां कॉम्पिटिशन चलती है स्पेशली रिटेल सेक्टर में इवेजन होता है. अब रिटेल मतलब आप अल्टीमेट कंज्यूमर हो, तो फिर मेरा बाजू वाला फीस कम ज्यादा लगा रहा है तो मैं टैक्स छुपाऊंगा और कहूंगा फीस कम, या फिर विद बिल विदाउट बिल, कुछ पता है तुमको? बिल में चाहिए कि बिना बिल का चाहिए, स्पेशली रिटेल लेवल पे होता है, तो इवेजन होता है, और मोस्टली कहां पे? रिटेल लेवल. ठीक है, चलिए कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट सेशन. ठीक है, यहां रुकते हैं.